शादी में, कौन कौन शुमार होगा इस बिग फैट इंडियन वेडिंग में, और क्या सच में वसूली और चिंटू फेरे लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, गोलमाल की सीरीज में हमने इतने सारे इवेंट्स देख लिए हैं कि अब लगता है कि रोहित शेट्टी के पास बचा ही क्या होगा और नया लेकर आने को। इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और इन सब की अपनी बॉन्डिंग है, इनकी कहानियां हैं, इनके लड़ाई है, इनके झगड़े हैं, इनका प्यार है, इनकी नोकझोंक है। लेकिन इस सब के अलावा अब रोहित शेट्टी क्या नया लेकर आने वाले हैं? अब गोलमाल 5 आ रही है और इसमें वसूली की और चिंटू की शादी हो रही है, ये तो आप सबने कई बार सुना होगा। लेकिन बॉलीग्रैड स्टूडियोज आपके लिए ये लेकर आया है कि आखिर इस शादी को अंजाम कैसे दिया जाएगा। तो दरअसल होगा ये कि ये गोवा में सेट होगी वेडिंग, और ये एक बिग फैट इंडियन वेडिंग होगी, यानी कि डेस्टिनेशन वेडिंग कह सकते हैं, और मंडप भी सी फेसिंग लगाया जाएगा। अब पूरी गोलमाल की टीम ढोल नगाड़ों के साथ इस वेडिंग में शुमार होगी, और साथ ही में इसका थीम होगा रेड एंड वाइट, इसीलिए डेकोरेशंस और सब कुछ, यहाँ तक कि आउटफिट्स भी वैसे ही प्रिपेयर किए जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि फेसबुक यानी कि डब्बू का कुत्ता भी ऐसे ही मैचिंग रेड आउटफिट में हमें क्यूट सा नज़र आने वाला है। अब पूरा शादी का तो माहौल होगा, खाना पीना होगा, ढोल नगाड़े होंगे, मौज मस्ती होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये सब एक चाल के तहत किया जाएगा। दरअसल ये होने वाली है एक फेक वेडिंग जिसके बारे में वसूली भाई को नहीं पता है, और ये पूरा प्लान गोपाल एंड टीम का है ताकि वो एक ढोंगी गुरुजी जिसका रोल कर रहे हैं परेश रावल उसे पकड़ सके। ये ढोंगी गुरु वसूली को जानता होगा और इसीलिए उसकी शादी में उसे आशीर्वाद देने आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये गुरुजी आएंगे तो अपने आश्रम से कार में बैठकर, लेकिन जाएंगे जेल को। तो अब होता क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल जो भी सारे लोग हैं जिन्होंने इन गुरु को दान दक्षिणा के रूप में पैसे दिए हैं, जिसे इस गुरु ने लूटा है, वो सारे ही लोग इस शादी में इन्वाइटेड होंगे एज गेस्ट, और पुलिस भी इन्वाइटेड होगी भेस बदलकर, और गोपाल एंड टीम पूरी प्लानिंग के साथ अपने काम को अंजाम देगी। जैसे ही ये गुरुजी शादी में पधारेंगे और वसूली को आशीर्वाद देने के बदले 50 लाख रुपए मांगेंगे, और जो कि वसूली नहीं दे सकता, तब वो उसे धमकी देंगे श्राप देने की, और ये भी कहेंगे कि वो जो पंडित शादी करा रहा है उसे खरीद लेंगे ताकि उसकी शादी ही ना हो पाए। अब इस चीज़ को गोपाल एंड टीम रिकॉर्ड कर लेगी। अब देखिए, मौके पर इतने सारे गेस्ट मौजूद हैं, या फिर ये कहें कि सबूत मौजूद हैं, और इतने सारे विटनेस मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, तो अब इस गुरु का बच के जाने का तो कोई भी चांस नहीं है, और इसी तरीके से इस गुरु को पकड़ा जाएगा। अब देखिए, वसूली का कैरेक्टर रोहित शेट्टी का एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है, जो कि संजय दत्त का डुप्लीकेट प्ले करते हैं, और इसीलिए रोहित शेट्टी इस साइड कैरेक्टर को इस बार लाइमलाइट में लेकर आने वाले हैं। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से पूरा गोलमाल रचा जाता है और कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, गोलमाल में कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदल सकती, यानी कि पहला तो लकी का ना बोलना, और दूसरा वसूली भाई का सिंगल ही रहना। आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साइनिंग शो में किसने दिखाया है आखिर कमाल, कैसे टूटा है सबका सपना, और क्या हुआ है इस कहानी के अंत में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे माधव, लकी, गोपाल और दोनों लक्ष्मण माधव के पिता के कहने पे शिमला आके एक पहाड़ी आदमी के घर में रहने लगते हैं, जो असल में माधव के पिता का पहचान वाला था। असल में दोस्तों, माधव के पिता उसके और उसके दोस्त के वक्त बर्बाद करने की आदत से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि वो 5 कोई अच्छा काम करे और अपना नाम कमाए, जो उन लोगों ने इतने सालों में कभी नहीं किया था। माधव और उसके बाकी दोस्त पहले गोवा में माधव के पिता के साथ ही रहते थे। गोवा में रहकर उन्हें कभी किसी चीज की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि उन 5 की बैठ के खाने की आदत की वजह से ही माधव के पिता ने उन सबको गोवा से शिमला 1 लाख के आसपास रुपए देकर भेजा था, ताकि वो शिमला में एक ट्रैवल एजेंसी खोल सके। असल में माधव के पिता की गोवा में एक ट्रैवल एजेंसी है, वहीं उन्होंने सोचा कि जब इन 5 को पता नहीं है कि आखिर उन्हें करना क्या है, तो उन्हें कहा कि जा और जाकर मेरी ट्रैवल एजेंसी की ब्रांच को शिमला में खोलो और उसे चलाओ, इससे तुम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, इसके अलावा तुम लोग यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करोगे। हालांकि दोस्तों, उन 5 को ना शिमला भेजते वक्त माधव के पिता ने सभी को चेतावनी भी दी थी, और जिसका पालन ना करना उनके लिए कल को कोई आफत ला सकता था। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि असल में ना माधव के पिता ने उन 5 को ये कहकर शिमला भेजा था कि अगर वो 6 महीने के अंदर एक ट्रैवल एजेंसी नहीं खोल पाते हैं,
तो उन्हें ना ही वापस गोवा आने की जरूरत है और ना ही उन्हें कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। अब इसके अलावा जिस आदमी के घर में वो फिलहाल रह रहे हैं उन्हें वहाँ से भी जाना होगा और वो सब फिर पूरे तरीके से अपने भरोसे शिमला में होंगे। माधव के पिता की ये बात पांचों को अब काफी डरा रही थी, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि माधव के पिता के द्वारा दिए गए डेडलाइन में अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे थे। हालांकि उन्होंने जितने पैसे दिए थे वो सब उन पांचों ने खाना और आराम करने में पहले ही बर्बाद कर दिए और अब ना ही उन पांचों के पास एजेंसी खोलने के लिए पैसे हैं और ना ही ज्यादा समय है। अब इन्हीं सब बातों की वजह से जब सब परेशान होकर घर के लिविंग रूम में बैठे थे तो लकी की नजर एक पैम्फलेट पे पड़ती है जिसमें किसी सिंगिंग कंपटीशन और उसमें दिए जाने वाले इनाम के बारे में लिखा होता है। दूसरी तरफ जब लकी के दिखाने पर सभी इस पैम्फलेट को गौर से पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पे नजर आ रही परेशानी पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि उस पैम्फलेट में 2 दिन के अंदर होने वाली एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन के बारे में लिखा होता है जिसमें सोलो, डुएट या ग्रुप कोई भी कैटेगरी में लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जीतने वाले को 10 लाख का इनाम भी मिलेगा, जिसके बारे में सुनकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जल्दी जल्दी डिसाइड करने के बाद जब सब अगले दिन इस कंपटीशन के लिए फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो उन्हें एक दूसरा ग्रुप भी मिलता है जो उनका ओपोनेंट होने वाला है। उनका ओपोनेंट माधव, गोपाल, लकी और दोनों लक्ष्मण को चैलेंज करता है कि वो उन्हें इस कॉम्पिटिशन में हरा कर रहेगा, जिसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर ये पांच भी कहते हैं कि वो ही इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाले हैं। दोस्तों थोड़े बहुत टकराव के बाद वो पांचों घर वापस आते हैं और अब ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो किस तरह से इस कंपटीशन को जीतेंगे, क्योंकि अब जिससे वो कम्पीट करने वाले हैं वो ग्रुप नेशनल चैंपियन है। यार वो ग्रुप एक्सपीरियंस्ड है, इसके अलावा उन्होंने पिछले 4 बड़े बड़े सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी जीते हैं, अब हम क्या करेंगे, लक्ष्मण यानी कि श्रेयस ने परेशान होकर कहा। और अब जिसपे गोपाल कहता है अगर वो इतने फेमस हैं तो हमने उनका नाम क्यों नहीं सुना और वो शहर के एक नॉर्मल कंपटीशन में पार्ट क्यों ले रहे हैं जब वो किसी नेशनल कंपटीशन में जा सकते हैं। गोपाल ने अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहा कि देखो हम नहीं जानते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, हमें बस खुद पे भरोसा करना है, उस कंपटीशन को जीतना होगा, वो भी किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि माधव के पिता की उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो उन्हें हमसे है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण यानी कि कुणाल ने गोपाल से पूछा। देखो ये सब मुझे नहीं पता, पर वो लोग वो नहीं है वो जो दिखा रहे हैं, ऐसा गोपाल कहता है। इसके बाद दोस्तों सब दिन भर की प्रैक्टिस करने के बाद सुबह करीब 10 बजे के आसपास वेन्यू पर पहुंच जाती हैं, जहां पे कंपटीशन हो रहा होता है। कंपटीशन शुरू होने में अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, तब तक वो पांचों ग्रीन रूम में जाकर अपने गानों की प्रैक्टिस कर खुद को कंपटीशन के लिए रेडी कर रही होती हैं। उनके आसपास के लोग भी अपनी कॉस्ट्यूम्स जल्दी जल्दी चेंज कर रहे होते हैं और थोड़ी बहुत वोकल एक्सरसाइज करते हुए ही सब दिख रहे हैं। वहीं तैयारियां करते करते कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता और अचानक से कंपटीशन शुरू होने के अनाउंसमेंट होने लगती है। अब माधव, गोपाल, लकी और दोनों लक्ष्मण भी अनाउंसमेंट को सुनकर ग्रीन रूम से निकलकर बैक स्टेज के पास आते हैं ताकि उन्हें बाकी के कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस दिख सके। अब हालांकि दोस्तों जैसे ही वो बैक स्टेज की ओर बढ़ते हैं उन पांचों का फिर एक बार ओपोनेंट ग्रुप से सामना होता है जिन्होंने उन्हें बीते दिन चैलेंज दिया था। हालांकि वो पांच उन्हें देखकर कुछ कहते तो नहीं है पर दोनों ग्रुप एक दूसरे को इवन लुक जरूर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ थिएटर के ऑफिस से जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम क्या होगा। एक 50 साल का आदमी ऐसा कहकर जोर से अपने सामने रखी एक चेयर पर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़कर अपने दुख को प्रकट करता है। वहीं इस आदमी को सब मास्टर जी के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ उस आदमी के सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसकी उम्र करीब 23 से 24 साल के आसपास होती है। अपने चेहरे को ना नीचे झुकाए वो लड़का अपनी की हुई गलती स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसने कंपटीशन के इनाम को 10,000 के बदले 10 लाख रख दिया है। अब मास्टर जी इस कॉम्पिटिशन के इनाम को 10,000 बनाए हुए थे। असल में मास्टर जी पिछले 1 महीने से काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से एक लीगल नोटिस मिला था जिसमें कहा गया था कि ना पिछले कुछ सालों में क्योंकि उनके इस थिएटर की लोगों के बीच रुचि कम हुई है इसी वजह से सरकार ने उन्हें थिएटर को बंद करवा दिया था, एक मॉल खोलने का इरादा किया है। अब इसी वजह से सरकार ने उनके थिएटर को बंद करवा कर एक मॉल खोलने का इरादा किया है। असल में ना दोस्तों अब मास्टर जी के दादाजी एक फेमस कथक डांसर थे जिस वजह से उन्हें कला से प्यार था और वो हमेशा से ही एक थिएटर खोलना चाहते थे जहाँ पे वो बाकी के कलाकारों को जगह दे सके। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है खयाती।
शादी में कौन कौन होंगे गोलमाल की बिग फैट इंडियन वेडिंग में, क्या सच में वसूली लेंगे चिंटू के साथ फेरे। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। गोलमाल में आज तक आपने इतने सारे इवेंट्स देखे हैं कि अब ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी के पास क्या ही बचा है दिखाने को। चार बड़ी बड़ी गोलमाल फैमिली इंटरटेनर्स बनने के बाद अब क्या नया लेकर आएंगे रोहित, ये गेस कर पाना होगा मुश्किल। मूवी में इतने कैरेक्टर्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दोस्ती, उनका झगड़ा, उनका प्यार, उनकी दुश्मनी, उनका घूमना, उनका आपस में करना सब दिखा चुके हैं रोहित। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है गोलमाल 5 के लिए रोहित का बड़ा प्लान। मूवी के इस 5th इंस्टॉलमेंट में आने वाला है एक साइड कैरेक्टर लाइमलाइट में। जी हाँ, द फेमस वसूली की होने वाली है गोलमाल 5 में शादी। इसकी चर्चा तो अब होने लगी है, मगर बॉलीवुड स्टूडियोज आप तक लेकर आया है कि कैसे होगी ये शादी। वसूली, जो कि मूवी में संजय दत्त के हमशक्ल होने के किरदार निभाते हैं, रोहित का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। उनकी लव स्टोरी हमेशा से ही चिंटू के साथ दिखाई गई है, तो बस इस बार उनके प्यार को अंजाम देते हुए वसूली और चिंटू जी की एक बिग फैट इंडियन वेडिंग दिखाने वाले हैं रोहित। आपको ये ग्रैंड वेडिंग गोवा के बीच साइड पर देखने को मिल सकती है, जिसमें पूरी की पूरी गोलमाल की टीम सज धज के ढोल नगाड़ों के साथ करेगी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज। बीच फेसिंग मंडप भी लगाया जाएगा, तो वसूली को शेरवानी और चिंटू को लाल लहंगा भी पहनाया जाएगा। वेडिंग का थीम व्हाइट और रेड होगा, जिसकी वजह से अरेंजमेंट भी इन्हीं कलर्स के होंगे। और हाँ, आपको फेसबुक यानी कि दब्बू का डॉग भी इसी मैचिंग से क्यूट आउटफिट में दिखेगा। दावत भी लगेगी, तो शादी वाला माहौल भी बिल्कुल एक नंबर होगा। गोलमाल में ये शादी दरअसल एक खास रीजन से कराई जा रही है। मूवी में नेगेटिव रोल में परेश रावल एक गुरुजी के किरदार में दिखेंगे, इसी की वजह से गोलमाल की टीम उन्हें पकड़ने के लिए ये झूठी शादी ऑर्गेनाइज कर सकती है। गुरुजी को स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए शादी की शुरुआत में बुलाया जाएगा। ये इनविटेशन वसूली भाई देंगे, क्योंकि वो गुरुजी को जानते होंगे। स्पेशली बड़ी कार से उतरेंगे ये गुरुजी। अपनी ऑथेंटिक नारंगी कलर के लिबास में ये गुरुजी वसूली और चिंटू को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। गुरुजी आएंगे तो अपने आश्रम से, मगर जाएंगे सीधा जेल। ये सीन मूवी का क्लाइमेक्स सीन हो सकता है, जहां गुरुजी की सच्चाई गोपाल बाहर लेकर आएंगे। आज तक जितनी भी लोगों को गुरुजी ने दक्षिणा और दान के नाम पर लूटा होगा, वो सभी इस शादी के गेस्ट होंगे। अब गोपाल वसूली को अगला बकरा बनाने का प्लान बना चुके हैं। गुरुजी वसूली को आशीर्वाद देने के बदले 50 लाख मांगेंगे, वरना उसे श्राप देने की धमकी देंगे। इतना ही नहीं, गुरुजी पंडित को खरीदने की भी बात करेंगे और वसूली को ये जताएंगे कि अगर 50 लाख रुपए अभी के अभी नहीं दिए तो उनकी शादी कोई नहीं कराने आएगा और उनके गुंडे चिंटू यानी कि वसूली की होने वाली बीवी को किडनैप कर लेंगे। बस यही बात गोपाल एंड गैंग छुपके से रिकॉर्ड कर लेगी, जिससे गुरुजी का सच सबके सामने आ जाएगा। गोपाल ऑलरेडी पुलिस को भी इस फंक्शन में इनवाइट कर लेगा, ताकि गुरुजी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। ऐसे में बहुत से गवाह तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ही, इसलिए उस गुरुजी का असली चेहरा लाने में गोपाल एंड गैंग को आसानी होगी। ये खुलासा वसूली और चिंटू के फेरे लेने से पहले ही हो जाएंगे, इसलिए मूवी में वो सिर्फ शादी करने का ढोंग करेंगे। हमारे फेवरेट वसूली एक बार फिर रह जाएंगे सिंगल। शादी बस एक ड्रामा होगी और गुरुजी की पकड़े जाने के बाद जब कुछ सामने आएगा और वो वसूली के अकेले ही रहना पड़ेगा। What a sad news, but it is what it is. गोलमाल में कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, जैसे लकी का ना बोलना और वसूली का सिंगल रहना। तब तक आप जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियोस को। We'll be right back.
अधूरी रह गई लक्ष्मण की स्टोरी, क्या सच में सुधर गए पप्पी भाई। हम सभी ये बात तो जानते हैं कि जल्दी हम फिल्म गोलमाल के 5th एडिशन को देखने वाले हैं, जिसमें हम फिर से उसी कास्ट को देखेंगे जिन्हें हम देखना पसंद करते थे। लेकिन 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 फिल्म के इस सीक्वल में होंगे कुछ खास चेंजेस, जहां हम फिल्म के किरदार की जिंदगी में बदलाव यानी कि चेंजेस देखने वाले हैं। अब उनकी जिंदगी का ये बदलाव आपको कैसे लगेगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिल्म की शुरुआत होगी कुछ ऐसी, जहां पप्पी भाई बन चुके होंगे सिटी के बड़े डॉन। पप्पी भाई की बिग एंट्री को दिखाया जाएगा, जहां वो निकलेंगे एक बड़ी गाड़ी से और उनके दोनों चेले दगा सिंह यानी संजय मिश्रा और तेजा भाई यानी ब्रिजेश उनके साथ चलते हुए दिखेंगे। वहीं पप्पी भाई के बॉडीगार्ड की गिनती दिखाई जाएगी, जहां वो घिरे होंगे 10 बॉडीगार्ड्स के बीच में। वो अपने बड़े से महल में रहते हैं, पप्पी भाई के चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी, मानो कोई ग्लो आ गया हो। जहां फिर उनकी नजर पड़ती है दीवार पे टंगी हुई मिथुन दा की तस्वीर पर और कुछ पुरानी यादें आ जाती है उनके सामने। फ्लैशबैक में जहां पप्पी भाई भी एक बेरोजगार थे, पप्पी भाई के होश में आते ही मिथुन दा उन्हें अपना बेटा बना लेते हैं और अपने वफादार यानी दगा सिंह और तेजा को कहते हैं कि पप्पी का साथ कभी ना छोड़े। और बस अपनी इस कहानी को याद करते ही पप्पी भाई की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने आंसू पोंछ के मिथुन दा के तस्वीर के पैर छूते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वही पप्पी भाई हफ्ते में एक दिन एक ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो इस दुनिया में दुखी हो, क्योंकि एक वक्त पर उनके हालात भी वैसे ही थे। और इस बार उनके इस दरबार में आता है लक्ष्मण यानी कुणाल खेमू। पप्पी भाई उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या दुख है, तब लक्ष्मण पप्पी भाई को गले लगा कर कहते हैं कि मेरा दिल तोड़कर वो चली गई और रोने लग जाते हैं। और लक्ष्मण अपनी एक तरफा प्रेम कहानी के बारे में पप्पी को सुनाता है, जिसके बाद पप्पी कहते हैं कि वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं बेरोजगार था इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर पप्पी को अपनी कहानी याद आती है और वो लक्ष्मण को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ उन्हें पैसे भी देते हैं। इस खबर को सुनने के बाद लक्ष्मण खुश होकर पप्पी के पैर छूते हैं और वहां से चले जाते हैं, जहां बार माधव और लकी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्या होगा आगे, कौन बनेगा बेवकूफ? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में हमें जल्दी से कमेंट्स में बताएं। क्या तुषार कपूर को मिलने वाली है ज्यादा इम्पोर्टेंस? क्या एक बार फिर गोपाल का हमशक्ल करेगा गोलमाल? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म गोलमाल 5 के बारे में। गोलमाल के बहुत से एक्टर्स की रोजी रोटी ही गोलमाल सीरीज से चलती है। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन सब एक्टर्स का कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है, मगर इसके बहुत से एक्टर्स का एक मौका बड़े पर्दे पर आने का सिर्फ गोलमाल सीरीज ही है। तुषार कपूर की बात करें तो वो प्रोड्यूसर होने के साथ साथ खुद को एक्टर मानते हैं, मगर उनकी आखिरी मूवी गोलमाल अगेन ही 2017 में आई थी। हाँ, वो सिम्बा में गेस्ट अपियरेंस में दिखते थे, मगर प्रॉपर रोल तो उन्होंने लकी का ही आखिरी बार गोलमाल अगेन में किया था। वही श्रेयस तलपड़े मराठी मूवीज में भी दिख जाते हैं और बॉलीवुड में छोटे मोटे रोल्स करते अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। उनका आखिरी रोल 2019 में सेटर्स नाम की मूवीज में था, जो भी गोलमाल अगेन के लक्ष्मण के रोल के जितना बड़ा नहीं था। गोलमाल हमेशा से ही मल्टी स्टारर रही है, जिसमें छोटे और बड़े एक्टर्स सभी अपनी एक्टिंग का शौक पूरा करते दिखते हैं।
ऐसे में कमाल की बात है कि रोहित शेट्टी सभी एक्टर्स को काफी अच्छा टाइम दे पाते हैं स्क्रीन पर कि सबका रिकग्निशन हो सके। इसी वजह से इस बार तुषार कपूर यानी कि लकी को ज्यादा स्क्रीन टाइम देकर रोहित शेट्टी मूवी में और मसाला डालने वाले हैं। लकी जो कि ऑलरेडी बिना बोले ऑडियंस को एंटरटेन करते दिखते हैं वो अब मूवी में चल भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लकी होने वाले हैं अनलकी, वो भी गोलमाल 5 में। रोहित की माने तो लकी का किरदार अचानक से एक एक्सीडेंट में अपने पांव गवा देगा। नहीं नहीं, पांव काटने नहीं पड़ेंगे, मगर मूवी में लकी को व्हीलचेयर पर गोलमाल करते दिखाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि माधव, लक्ष्मण और लकी की टीम लक्ष्मण यानी कि श्रेयस के हक लाकर बोलने का मजाक बनाती दिखती है, वैसे ही इस बार गोपाल और लक्ष्मण लकी के व्हीलचेयर पर होने का फायदा उठाते दिखेंगे। मूवी के एक मस्त सीन में लकी को गोपाल क्लिफ पर ले जाकर छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद ये मजाक उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। ध्यान से सुनिए दर्शकों, इस खाई पर गोपाल लकी को सिर्फ डराने ले जाएंगे, जिसके बाद व्हीलचेयर खिसक कर लकी को खाई में अटका देगी। ये गोलमाल करने के चक्कर में रोहित सीन को सीरियस दिखाएंगे, जिसके बाद हमेशा के जैसे चारों गोपाल, लक्ष्मण और माधव लकी को बचाते हुए नजर आएंगे। इस व्हीलचेयर के ड्रामे को मूवी में रोहित कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये देखना होगा, मगर तुषार के लिए ये रोल जरूर से डिफिकल्ट होने वाला है। पहले तो उनके पास डायलॉग्स नहीं थे और अब उनके पास बॉडी मूवमेंट्स भी नहीं होंगी। ऐसे में तुषार को सच में कमाल की एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि ऑडियंस को उनका प्रेजेंस और उनकी इम्पोर्टेंस दोनों ही फील हो सके। रोहित इसकी ब्रीफिंग ऑलरेडी दे चुके हैं तुषार को और लकी इस बार के रोल के लिए तैयार भी है। इस व्हीलचेयर पर और कितना गोलमाल होता है ये हम आपको बताते रहेंगे। तब तक आप हमें बताइए कि आप किसके नए अंदाज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और हम आप तक गोलमाल 5 की न्यू अपडेट्स लाते रहेंगे। गोलमाल 3 की कहानी तो आपको याद होगी ही कि कैसे गोपाल को उंगली दिखाने के बाद किसी की उंगली सीधी नहीं बचती है, याद है ना वो पागल गोपाल और भी उसका पागल रूप। मेकर्स इस बार गोपाल को पागल तो नहीं दिखाने वाले हैं, मगर हमने आपको बताया था कि इस बार गोपाल का हमशक्ल दिखाया जाएगा। बस इस हमशक्ल के चक्कर में ही गोपाल को हो जाएंगे अपनों से दूर। यहाँ तक कि हमने जो आपको व्हीलचेयर की कहानी बताई वो गोलमाल भी गोपाल का हमशक्ल ही करेगा, मगर बचाने लकी को असली गोपाल आएगा। इसीलिए गोपाल को उससे सबक सिखाने में करनी पड़ेगी अपनी उंगली टेढ़ी। जी हाँ, बहुत ही समझदारी से गोपाल को अपने दोस्तों को इस हमशक्ल गोपाल की सच्चाई बतानी पड़ेगी। मूवी में लकी के व्हीलचेयर पर होने से और फिर गोपाल के लकी को बचाने की वजह से टीम्स हो सकती हैं चेंज, जहां माधव, लक्ष्मण और लक्ष्मण हो जाएंगे साथ में, मगर लकी हो जाएंगे गोपाल पर भरोसा। ऐसे ही कुछ होने वाली है गोलमाल। कौन किसका फ्रेंड होगा, कौन गोलमाल करेगा और किसका नाम लगेगा गोलमाल में, ये सब हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। जंगल में भूत का मंगल, कहां जा रही है गोलमाल गैंग, क्या सच में जंगल में है भूत, क्या जंगल में चल रहा भूत का बिजनेस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। जल्दी कर चलती, आज रात का प्लान सभी को पता है ना, लक्ष्मण अपने बैग को पैक करते हुए कहता है। हाँ हाँ पता है, अब ज्यादा एक्सपर्ट मत बन। दूसरी तरफ से माधव अपने बैग में स्नैक्स को भरते हुए कहता है। असल में माधव, लक्ष्मण प्रसाद, लकी और लक्ष्मण प्रसाद तल पड़े। आज रात
कैंपिंग करने के लिए अपने घर से कुछ दूर में स्थित जंगल में जाने वाले थे। ये पांचों हिमाचल प्रदेश में मनाली में रहते थे और वो आज यहीं के एक जंगल में पूरी रात बिताने वाले थे। वहीं कैंपिंग की ये प्लानिंग अचानक से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि पिछले वीकेंड उन्होंने एक मूवी में देखा था कि कूल फ्रेंड्स आजकल साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। इसी वजह से इन पांचों को भी एक आइडल कूल ग्रुप बनना था और इसी वजह से ये आज रात कैंपिंग करने जा रहे थे। अरे यार देखना, 9 बज गए हैं और पता नहीं ये गोपाल गाड़ी क्यों नहीं शुरू कर रहा। लक्ष्मण अपने दोस्तों को कहता है, अरे मुझे पता है, असल में गोपाल जिद कर रहा है कि उसके साथ उसके सॉफ्ट टॉय डैडी को हम लोग साथ लाने दें। मैंने तो मजाक में बस मना कर दिया और ये सब ऐसे ही उदास बैठा है। माधव अपनी बात जैसे ही खत्म करता है, वैसे ही गाड़ी के अंदर बैठा गोपाल चिल्ला कर कहता है, वो कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है, बंटी नाम है उसका, समझा। गोपाल ऐसा कहकर वापस से गुस्सा होकर बैठ जाता है। अरे तो दे दो ना गोपाल को उसका सॉफ्ट टॉय, मेरा मतलब है बंटी, लक्ष्मण कहता है, जिसपे लकी भी कह उठता है, अयो एओ ना, यानी कि अरे सुनो दे दो ना। असल में लकी बेचारा बोल नहीं सकता, इसी वजह से वो इस तरह से बातें करता है जिसे सिर्फ उसके दोस्त ही समझ पाते हैं। लक्ष्मण इसी बीच अंदर जाता है और जाकर गोपाल के बंटी को ले आता है और फिर माधव को दे ऐसा कहता है कि वो जाकर गोपाल से माफी मांग ले, तभी वो गाड़ी को शुरू करेगा। माधव लक्ष्मण की बात को मान के ऐसा ही करता है, जिसपे गोपाल भी मान जाता है और गाड़ी शुरू कर देता है। हालांकि उसी बीच उनके पड़ोसी पपी की एंट्री होती है जो उनके साथ कैंपिंग पे जाने के लिए तैयार रहता है। पपी को देख सभी चौंक जाते हैं और बहुत मना करने के बावजूद पपी उन लोगों की गाड़ी में आ जाता है और ना चाहते हुए भी गोपाल की ये गैंग पपी को भी अपने साथ ले जाती है। वैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि गोपाल माधव लक्ष्मण और लकी की इस ग्रुप को सभी गोलमाल गैंग कहकर ही बुलाते हैं। खैर कुछ ही दूर चले जाने के बाद वो सब एक अंधेरे जंगल में आ जाते हैं। रात के 10 बज चुके थे, जंगल भी चारों तरफ से सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ। आई मेरे को तो डर लग रहा है रे बाबा, पपी अपने टपोरी अंदाज में कहता है। असल में पपी जब भी अपने भावनाओं में बहता है तो वो अपने टपोरी भाषा बोलने लगता है। हाँ यार हम इतने अंधेरे में कैंपिंग कैसे करेंगे, लक्ष्मण श्रेयास से सवाल करता है। इसी बीच अचानक से भेड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे लक्ष्मण लकी और पपी भाई डर कर गोपाल के पीछे छुप जाते हैं। अरे शांत हो जाओ तुम सब, क्या अंधेरा अंधेरा लगा रखा है, जंगल है कोई रिजॉर्ट नहीं, अंधेरा तो होगा ही, गोपाल गुस्से में सबको शांत करता है, जिससे सब फिर अपनी ओवर एक्टिंग से बाहर आकर नॉर्मल हो जाते हैं। अरे रुको तुम सब, मेरे पास टॉर्च है, पहले हम सब अपना टेंट लगा लेते हैं, फिर फायर जला कर कैंपिंग के मजे लेते हुए डिनर करेंगे। माधव खड़े होकर अपने बैग से सामान निकालना शुरू कर देता है। डिनर और यहाँ, लक्ष्मण थोड़ा चौंक कर कहता है, जिसपे माधव जवाब देता है, हाँ तो क्या कैंपिंग नहीं देखी है क्या, ऐसे ही तो करते हैं सब। माधव की बात को सुनकर लक्ष्मण थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, फिर सब मिलकर अपने टेंट को लगाना शुरू कर देते हैं। उसी बीच पपी भाई कहता है उसे वॉशरूम जाना है। अरे पपी भाई क्या, आप भी, जंगल में वॉशरूम नहीं होता, आप जाओ आगे जाकर देख लो, लक्ष्मण कहता है, जिसपे पपी जल्दी से जंगल की ओर भाग जाता है। चलो टेंट तो लग गया, गोपाल कहता है, जो लकी और लक्ष्मण के साथ टेंट लगा रहा था और खाना भी बन गया है। माधव बोन फायर में चिकन का रोस्ट करते हुए कहता है और कुक करने में उसकी मदद दूसरा लक्ष्मण कर रहा होता है। तो चलो खाते हैं, गोपाल सभी से कहता है। ए ओ आपी, यानी कि अरे रुको पपी पपी, लकी पीछे से ऐसा कहकर गोपाल को रोकने की कोशिश करता है। अरे क्या अपी अपी कर रहा है, हम क्या तेरे अपी हैं, माधव चिढ़कर लकी को कहता है। अरे बेवकूफ वो अपी नहीं पपी बोल रहा है, यानी कि पपी भाई, लक्ष्मण सभी को लकी की बात समझाने की कोशिश करता है। अरे हाँ यार काफी वक्त हो गया, पपी अभी तक आया क्यों नहीं, वो सेफ तो है ना, अच्छा रुको मैं देख के आता हूँ, गोपाल ऐसा कहकर जैसे ही जंगल की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही चिल्लाते हुए और जोर से दौड़ते हुए पपी सामने से आ रहा है। बचाओ बचाओ, पपी चिल्लाते हुए आ रहा है। पपी को देख सभी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और उसके डरे हुए हाल को देख थोड़ा घबरा जाते हैं। क्या हुआ पपी भाई, आप इतना कांप क्यों रहे हैं, माधव पूछता है। वो भू, पपी अपनी सांसों पे काबू पाकर कहने की कोशिश करता है। वो क्या पपी, ठीक से बोल, गोपाल पपी से सवाल करता है। वो भूत, पपी डरे हुए हाल में जैसे बैठने की कोशिश करता है। आ लक्ष्मण लकी और माधव चिल्लाते हैं, जिसपे गोपाल उन्हें शांत करता है। तो दर्शकों आपको क्या लगता है, क्या जंगल में सच में भूत है, और अगर है
तो क्या गोलमाल गैंग उससे बचने में कामयाब होगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है बॉलीग्रैंड स्टूडियोज, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। करने के बाद गोपाल और लक्ष्मण इंस्पेक्टर के डंडे से शहर छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि एक सेफ जगह पे वो जा रहे होते हैं और ये जगह वो होती है जहां शायद ही इंस्पेक्टर उन्हें ढूंढ सकता है। आपको बता दें ट्रेन स्टेशन पे रुकती है और स्टेशन का नाम दिखाया जाता है और ये जगह होती है पॉन्डिचेरी। गोपाल लक्ष्मण को उठाता है और कहता है कि उठो लक्ष्मण, we are at safe zone। ये सुनते ही लक्ष्मण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दोनों ट्रेन से फुल स्वाग में उतरते हैं और पहुंचते हैं आंटी मैरी के घर। आंटी मैरी से इन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं होता, पर दिल का रिश्ता जरूर होता है। जहाँ एक वक्त जब दोनों भूख के मारे भटक रहे थे, तब आंटी मैरी इन्हें खाना देती है और इन दोनों ने तब से उन्हें माँ का दर्जा दे दिया, जिसके बाद ये पूरे साल कहीं भी हो पर गर्मियों में आंटी से मिलने जरूर पहुँच जाते हैं। गोपाल और लक्ष्मण को देख के आंटी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों इस बार टाइम से पहले आ गए, अचानक से क्या हुआ बताओ। तब लक्ष्मण के मुंह से सच्चाई निकली जाती है, इसलिए आपको बता दे गोपाल जल्दी से कहता है आपकी मदद करने के लिए आए हम आंटी, और आपकी बहुत याद आ रही थी बस इसीलिए। ये सुन के आंटी बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, और हाँ तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया है, आज मैं भी तुम्हें सरप्राइज दूंगी। ये सुनते ही गोपाल कहता है कि क्या सरप्राइज होगा। आंटी कहती है मैं तुम्हें हर साल देखती हूँ, तुम बहुत मेहनत करते हो, इस बार तुम बस अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करना, मैंने 3 लोगों को हायर किया है काम करने के लिए, वो बस आते ही होंगे। और वो किचन में चली जाती है, जिसके बाद घर की बेल बजती है और लक्ष्मण दरवाजा खोलता है और अपने सामने देखता है माधव, लकी और लक्ष्मण को। इन्हें देखते ही वो गोपाल को आवाज लगाता है, जब गोपाल आता है और बस उन्हें कुछ बोलने वाला होता है, तब आंटी कहती है अरे आप लोग आ गए, आ जाओ गोपाल, ये वही है जिनकी मैं बात कर रही थी, तुम सब बात करो, मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और वही टीवी पर हम साथ साथ है फिल्म का गाना बजने लगता है, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह, और दोनों ही गैंग की साइलेंट बट एक्सप्रेशन से भरी हुई लड़ाई चालू हो जाती है। अब कैसे लगेगा इनकी गाड़ी को ब्रेक? दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा आगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। पप्पी भाई आएंगे डोन बनके, क्या अधूरी रह गई लक्ष्मण की स्टोरी, क्या सच में सुधर गए पप्पी भाई। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हम सभी ये बात तो जानते हैं कि जल्द ही हम फिल्म गोलमाल 5 एडिशन देखने वाले हैं, जिसमें हम फिर से उसी कास्ट को देखेंगे जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। लेकिन फिल्म के इस सीक्वल में होंगे कुछ चेंजेस, जहां हम फिल्म के किरदार की जिंदगी में बदलाव देखने वाले हैं। अब उनकी जिंदगी का ये बदलाव
आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिल्म की शुरुआत होगी कुछ ऐसी जहां पपी भाई बन चुके होंगे सिटी डॉन। पपी भाई की बिग एंट्री को दिखाया जाएगा जहां वो निकलेंगे एक बड़ी गाड़ी से और उनके दोनों चेले दगा सिंह यानी संजय मिश्रा और तेजा भाई यानी व्रजेश उनके साथ चलते हुए दिखेंगे। वहीं पपी भाई के बैकग्राउंड में गिनती दिखाई जाएगी जहां वो घिरे होंगे 10 बॉडीगार्ड्स के बीच में। वो अपने बड़े से महल में रहते हैं। पपी भाई के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है मानो कोई ग्लो आ गया हो। फ्लैशबैक में जहां पपी भाई एक बेरोजगार होता है वो नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं उसी महल में जहां वो अब रहते हैं और देखता है कि महल का नौकर मिथुन दा के खाने में कुछ मिला रहा होता है, जिसके बाद वो इस बात का खुलासा करने के लिए मिथुन दा के सामने वही खाना रख देता है। वहीं मिथुन दा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि एक डॉन होते हैं पर इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं होता और कई लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। पपी भाई के होश में आते ही मिथुन दा उन्हें अपना बेटा बना लेते हैं और अपने वफादार यानी दगा सिंह और तेजा को कहते हैं कि पपी का साथ कभी ना छोड़ना। और बस अपनी इस कहानी को याद करते ही पपी भाई की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने आंसू पोंछ के मिथुन दा की तस्वीर के पैर छूते हैं। वहीं पपी भाई हफ्ते में एक दिन एक ऐसा इंसान की मदद करता है जो इस दुनिया में दुखी हो, क्योंकि एक वक्त पर उनके हालात भी वैसे ही थे। इस खबर को सुन के लक्ष्मण खुश होके पपी भाई के पैर छूता है और वहां से चला जाता है। जहां बाहर माधव और लकी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ होगा इसके आगे? क्या पपी को बेवकूफ बनाया गया या फिर सच में टूटा है लक्ष्मण का दिल? अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अपने और अजय के स्पेशल बॉन्ड के बारे में क्या अर्शद वारसी कर रहे हैं झूठे वादे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों तब्बू और अजय देवगन, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा जब हम इन दोनों को साथ में देख रहे हैं। अब जब गोलमाल 5 की अनाउंसमेंट हो चुकी है तो वो पुराना दौर वापस लौट कर आ रहा है। जी हाँ, इससे पहले हम इन दोनों को विजय पथ, हकीकत ऐसी मूवीज में साथ में देख चुके हैं और हाल ही में दे दे प्यार दे और दृश्यम में भी ये दोनों साथ में नजर आए थे। अब जब गोलमाल अगेन में ये दोनों साथ में नजर आए थे तो तब्बू से काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके दौरान। अब इसका कारण क्या था तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल तब्बू के एक स्टेटमेंट की वजह से अजय के बसे बसाए घर में मुसीबतें खड़ी हो गई थी। जी हाँ, तब्बू का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था, इफ आई एम सिंगल टुडे इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अजय देवगन, जिसके बाद ये बहुत तेजी से न्यूज फैली। और अब इसके दो ही मीनिंग हो सकते हैं, या तो तब्बू और अजय जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तब इन दोनों का कोई अफेयर चालू हो गया हो, या फिर तब्बू वन साइडेड लव में हो अजय के साथ, जिसकी वजह से अजय के परिवार में काफी सारी मुश्किलें आई। लेकिन तब्बू को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये मजाक में दिया हुआ स्टेटमेंट इतनी आग पकड़ लेगा, जिसके बाद उन्हें क्लियरिंग स्टेटमेंट देनी पड़ी। और उसके बाद कितने दिनों बाद जाकर लोगों को ये पता चला कि तब्बू के स्टेटमेंट का जस्ट यही मतलब था कि वो अजय को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती है, उन दोनों के बीच काफी स्पेशल बॉन्ड है। तब्बू और अजय के बाद अब बात करते हैं अर्शद वारसी की। देखिए गोलमाल 5 में तो अर्शद का रोल कंफर्म है, लेकिन हाल ही में अर्शद ने असुर 2 के बारे में भी कंफर्मेशन दी थी। असुर एक वूट सेलेक्ट की सीरीज है जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही थी और अब फैंस काफ़ी लंबे समय से इसका दूसरे पार्ट का वेट कर रहे हैं। तो अब अर्शद वारसी ने इसके दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया जब इसका दूसरा पार्ट रिलीज करने की बातें कही जा रही हो। अब देखिए गोलमाल 5 में तो इनका रोल कंफर्म है, मेकर्स इन्हें 4-5 करोड़ तक दे सकते हैं, लेकिन असुर के मेकर्स इन्हें सिर्फ 2 करोड़ ही ऑफर कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि गोलमाल 5 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और असुर 2 की शूटिंग को थोड़ी देर और रोकना पड़े, जिससे ये सीरीज और डिले हो जाए।
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अरशद वारसी अपने फैंस से आजकल काफी झूठे वादे कर रहे हैं और खुद भी इस कश्मकश में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है प्रतिमा रतवानी ने। पक्के दोस्त कौन होगा इनकी स्टोरी में विलन? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं गोलमाल सीरीज के बारे में। रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड गोलमाल सीरीज काफी ज्यादा फेमस है, ऑडियंस के बीच भी ये सीरीज काफी ज्यादा फेमस है। गोलमाल सीरीज में हमने देखा है गोपाल और माधव होते हैं पक्के दुश्मन। इन दोनों की दुश्मनी इतनी तगड़ी होती है कि ऑडियंस काफी एंटरटेन होती है इनकी दुश्मनी देख के। वहीं इस बार गोलमाल 5 में सुनने में आ रहा है रोहित शेट्टी करने वाले हैं स्टोरी में काफी कुछ चेंज। वो ये चाहते हैं स्टोरी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल ना हो और इसीलिए वो दिखाएंगे कि गोपाल और माधव हैं बहुत अच्छे दोस्त। जी हाँ, इन दोनों की दोस्ती काफी ही ज्यादा पक्की होने वाली है। ये भी दिखाया जाएगा कि बचपन में गोपाल काफी ही चुप शांत सा पार्क में बैठा होगा, तभी माधव उसे अप्रोच करेगा, कहेगा तुम इतने चुप क्यों हो। उस बात का जवाब देते हुए गोपाल कहेगा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। इसी के बाद से माधव और गोपाल की पक्की दोस्ती हो जाएगी और उसके बाद गोपाल माधव की विशेष पूरी करने के लिए माधव के लिए काफी सारी चीजें भी करेगा। वहीं जब माधव को एक कैंडी चाहिए होगी और वो उसके लिए रो रहा होगा, गोपाल जाके दूसरे बच्चे से वो कैंडी छीन के भी ले आएगा। उसके बाद स्टोरी में लीप दिखाया जाएगा, दोनों बड़े हो जाएंगे, दोनों का गोवा में बीच पर एक होटल भी होगा, बहुत अच्छा होटल चल रहा होगा दोनों का पार्टनरशिप में। लेकिन उसी बीच उनके बगल में एक और होटल खुल जाएगा। अब दिलचस्पी वाली बात यह है कि वो दूसरा होटल किसका होगा, क्योंकि वो दूसरे होटल वाला जो ओनर है वो अपने सारे कस्टमर्स को आधे रेट्स में रूम्स दे रहा है। इस वजह से इनका बिजनेस काफी ज्यादा गिर जाएगा और इनके बिजनेस में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद गोपाल और माधव मिलके बगल वाले होटल के ओनर का पता लगाएंगे, जिसका नाम पता चलेगा पप्पी। जी हाँ दोस्तों, वो उससे कन्फ्रंट करेंगे, वो उससे पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए वो कहेगा बचपन में तुम्हें याद है तुमने मुझसे मेरी कैंडी छीनी थी, ये उसी का बदला ले रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है गोलमाल 5 के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या देखने को मिलेगा इस बार फिल्म में, कौन कौन से कैरेक्टर्स नजर आएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।
दोस्तों साल 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गोलमाल। रोहित शेट्टी की इस फिल्म ने हर एज हर टाइप के ऑडियंस को टारगेट किया था और ये फिल्म कॉमेडी से भरी हुई थी, इसीलिए इस फिल्म ने लोगों के दिलों में तो अपनी एक अलग जगह बनाई ही, साथ ही साथ इसके आने वाले पार्ट्स के लिए भी लोगों को एक्साइटेड कर दिया। जिसके बाद 2008 में आई गोलमाल की अगली सीरीज और फिर 2010 में आई गोलमाल 3 और 2017 में हमारे सामने आई थी गोलमाल अगेन। इन सारी ही फिल्मों ने रोहित शेट्टी को बहुत ज्यादा नाम दिया और ऑडियंस ने भी इन सारी फिल्मों को उतना ही ज्यादा प्यार दिया। अब इसीलिए रोहित शेट्टी इस फिल्म सीरीज की फिफ्थ इंस्टॉलमेंट यानी कि गोलमाल 5 हम सबके सामने लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस बार कहानी में हमें देखने को मिल सकता है कि एक छोटे बच्चों का ग्रुप होगा जो कि अनाथ होगा। अब इस बात से दुखी होके वो लोग एक रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने जा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देगी। जब वो उस आवाज की तरफ जाएंगे तब उन्हें दिखेगा एक छोटा सा बच्चा चींटियों के बीच लिपटा हुआ है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे और वहां पर उस बच्चे का खुद को भाई बताएंगे। अब इन लोगों के पास पैसे तो है नहीं उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इस छोटे बच्चे का फ्री में इलाज कर दिया। अब ये बच्चे सोचेंगे कि इस बच्चे को ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अब ये सोचते हैं कि इस बच्चे को ये लोग खुद ही पाल पोस कर बड़ा करेंगे। इसके बाद ये जी जान से मेहनत करने लगते हैं, काम करने लगते हैं ताकि इस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण हो सके। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और ये बच्चा बड़ा होने लगता है और अपने भाइयों की सभी बातें मानता है, अपने भाइयों को भी बहुत रिस्पेक्ट देता है। अब एक दिन इसके भाइयों की कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है। इस समय ये बच्चा अपनी बुद्धि से अपने भाइयों को छुड़ा लेता है और फिर ये सोचता है कि अब टाइम आ चुका है कि अब ये काम करे और अपने भाइयों को पढ़ने का मौका दे। फिर ये भी बहुत मेहनत करता है, अपने भाइयों को पढ़ाता लिखाता है और उसके भाई भी काबिल आदमी बन जाते हैं, उसे खूब मानते भी हैं। ऐसा बना देता है अपने भाइयों को कि कोई भी किसी भी इंटरव्यू में या जॉब के लिए उन्हें मना ना कर सके। अब देखिए ये तो बहुत ही अच्छी सी कहानी लग रही है जिसमें ये छोटा बच्चा और ये भाई जो हैं ये सब एक दूसरे को खूब मानते हैं, एक दूसरे की खूब रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से खूब ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या होगा इनकी ज़िंदगी में जो लाएगा इनकी ज़िंदगी में तूफान और इन्हें करेगा परेशान, और ये कैसे उस चीज़ से टैकल करते हैं, ये होगा इस कहानी का ट्विस्ट। साथ ही इस बार ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि रोहित शेट्टी हमारे लिए क्या नया लेकर आ रहे हैं और कौन सा नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं उनकी हर फिल्म में कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है, तो इस बार वो कॉमेडी के अंदाज में ढाल कर क्या मैसेज हमारे लिए ला रहे हैं ये देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम तो। आप गोलमाल 5 के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ज्योति कुमारी ने। शादी में कौन कौन होंगे गोलमाल की बिग फैट इंडियन वेडिंग में, क्या सच में वसूली लेंगे चिंटू के साथ फेरे। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। गोलमाल में आज तक आपने इतने सारे इवेंट्स देखे हैं कि अब ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी के पास क्या ही बचा है दिखाने को। चार बड़ी बड़ी गोलमाल फैमिली इंटरटेनर्स बनने के बाद अब क्या नया लेकर आएंगे रोहित, ये गेस कर पाना होगा मुश्किल। मूवी में इतने कैरेक्टर्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दोस्ती, उनका झगड़ा, उनका प्यार, उनकी दुश्मनी, उनका घूमना, उनका आपस में मजे करना सब दिखा चुके हैं रोहित। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है गोलमाल 5 के लिए रोहित का बड़ा प्लान। मूवी के इस फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में आने वाला है एक साइड कैरेक्टर लाइमलाइट में,
जी हाँ, द फेमस वसूली की होने वाली है गोलमाल 5 में शादी। इसकी चर्चा तो अब होने लगी है, मगर वॉलीग्राफ स्टूडियोज आप तक लेकर आया है कि कैसे होगी ये शादी। वसूली जो कि मूवी में संजय दत्त के हमशक्ल होने के किरदार निभाते हैं, रोहित का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। उनकी लव स्टोरी हमेशा से ही चिंटू के साथ दिखाई गई है, तो बस इस बार उनके प्यार को अंजाम देते हुए वसूली और चिंटू जी की एक बिग फैट इंडियन वेडिंग दिखाने वाले हैं रोहित। आपको ये ग्रैंड वेडिंग गोवा के बीच साइड पर देखने को मिल सकती है, जिसमें पूरी की पूरी गोलमाल की टीम सज धज के ढोल नगाड़ों के साथ करेगी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज। बीच फेसिंग मंडप भी लगाया जाएगा, तो वसूली को शेरवानी और चिंटू को लाल लहंगा भी पहनाया जाएगा। वेडिंग का थीम व्हाइट और रेड होगा, जिसके वजह से अरेंजमेंट भी इन्हीं कलर्स के होंगे। और हाँ, आपको फेसबुक यानी कि दब्बू का डॉग भी इसी मैचिंग से क्यूट आउटफिट में दिखेगा। दावत भी लगेगी, तो शादी वाला माहौल भी बिल्कुल एक नंबर होगा। गोलमाल में ये शादी दरअसल एक खास रीजन से कराई जा रही है। मूवी में नेगेटिव रोल में परेश रावल एक गुरुजी के किरदार में दिखेंगे, इसी के वजह से गोलमाल की टीम उन्हें पकड़ने के लिए ये झूठी शादी ऑर्गेनाइज कर सकती है। गुरुजी को स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए शादी की शुरुआत में बुलाया जाएगा। ये इनविटेशन वसूली भाई देंगे, क्योंकि वो गुरुजी को जानते होंगे। स्पेशली बड़ी कार से उतरेंगे ये गुरुजी। अपनी ऑथेंटिक नारंगी कलर के लिबास में ये गुरुजी वसूली और चिंटू को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। गुरुजी आएंगे तो अपने आश्रम से, मगर जाएंगे सीधा जेल। ये सीन मूवी का क्लाइमेक्स सीन हो सकता है, जहां गुरुजी की सच्चाई गोपाल बाहर लेकर आएंगे। आज तक जितनी भी लोगों को गुरुजी ने दक्षिणा और दान के नाम पर लूटा होगा, वो सभी इस शादी के गेस्ट होंगे। अब गोपाल वसूली को अगला बकरा बनाने का प्लान बना चुके हैं। गुरुजी वसूली को आशीर्वाद देने के बदले 50 लाख मांगेंगे, वरना उसे श्राप देने की धमकी देंगे। इतना ही नहीं, गुरुजी पंडित को खरीदने की भी बात करेंगे और वसूली को ये जताएंगे कि अगर 50 लाख रुपए अभी के अभी नहीं दिए तो उनकी शादी कोई नहीं कराने आएगा और उनके गुंडे चिंटू यानी कि वसूली की होने वाली बीवी को किडनैप कर लेंगे। बस यही बात गोपाल एंड गैंग चुपके से रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे गुरुजी का सच सबके सामने आ जाएगा। गोपाल ऑलरेडी पुलिस को भी इस फंक्शन में इनवाइट कर लेगा, ताकि गुरुजी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। ऐसे में बहुत से गवाह तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ही, इसलिए इस गुरुजी का असली चेहरा लाने में गोपाल एंड गैंग को आसानी होगी। ये खुलासा वसूली और चिंटू के फेरे लेने से पहले ही हो जाएंगे, इसलिए मूवी में वो सिर्फ शादी करने का ढोंग करेंगे। हमारे फेवरेट वसूली एक बार फिर रह जाएंगे सिंगल। शादी बस एक ड्रामा होगी और गुरुजी की पकड़े जाने के बाद जब कुछ सामने आएगा और वो वसूली के अकेले ही रहना पड़ेगा। What a sad news, but it is what it is। गोलमाल में कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, जैसे लकी का ना बोलना और वसूली का सिंगल रहना। तब तक आप जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियोस को। रोहित शेट्टी खिला रहे हैं गली क्रिकेट, कहां खेला जाएगा गोलमाल का ये गली क्रिकेट, कैसे आया रोहित को ये अनोखा आइडिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूं फिल्म गोलमाल 5 के बारे में। भाई वाह, क्या क्या लेकर आ रहे हैं रोहित शेट्टी। एंटरटेनमेंट के दो बड़े हिस्से मूवीज और स्पोर्ट्स को मिलाने का फैसला किया है रोहित शेट्टी ने। नहीं नहीं, वो कोई स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपनी फेमस गोलमाल फ्रेंचाइज में दिखाने वाले हैं लोकल आईपीएल। जी बिल्कुल दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर हम लौट आए हैं आपको गोलमाल 5 का एक मजेदार सीन बताने के लिए।
अब सब जानते ही हैं कि गोलमाल की टीम कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी कास्ट के साथ रोहित क्या कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इस बार गोलमाल में आपको दिखेगा गोवा प्रीमियर लीग। बिल्कुल दोस्तों, तैयार हो जाइए ढोल और नगाड़ों के साथ चीयर करने के लिए, क्योंकि दोनों टीम गोलमाल की कास्ट में से ही होगी। नहीं, ये कोई एक्सटर्नल इवेंट नहीं है मूवी को प्रमोट करने के लिए, बल्कि मूवी के शुरुआती सीन में ही दिखाया जाएगा ये मैच। एक छोटे से सेगमेंट में गोपाल की टीम गोपाल, लक्ष्मण, अन्ना, वसूली, पपी भाई और पांडु GPL खेलेंगे। वही माधव, लकी, लक्ष्मण, चिंटू, बबली भाई और गंभीरी दूसरी टीम में होंगे। हमेशा से ही गोपाल और माधव के बीच थोड़े से पंगे दिखाए हैं, इसीलिए मूवी की शुरुआत इस क्रिकेट मैच से होगी। हाँ, टीम में कुछ और लोग भी होंगे, मगर गोलमाल के सारे चहेते और रंगीन कैरेक्टर्स अपने अनोखे अंदाज में ये मैच खेलते हुए दिखेंगे, इसीलिए रोहित ये इंटरेस्टिंग मैच रखवाएंगे, जिसमें गोपाल की टीम का नाम होगा गोपाल गोरिल्लास और माधव की टीम का नाम होगा माधव मंकी। दोनों ही टीम को अलग अलग टीम कॉस्ट्यूम्स भी दिए जाएंगे, जिसमें गोपाल की टीम येलो में दिखेगी, वही माधव की टीम ग्रीन में। उनके नाम भी पीछे प्रिंटेड होंगे, तो पूरे गोवा में बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, रोहित अपनी सारी मूवीज की फ्रेंचाइज को भी एज स्पॉन्सर्स दिखाने वाले हैं, यानी कि सूर्यवंशी केबल से लेकर सिंघम वाइन्स तक आपको लिखा हुआ सब कुछ नजर आएगा। रोहित का ये प्रेजेंस ऑफ माइंड सच में ही इस गोवा प्रीमियर लीग को अनोखा एक्सपीरियंस बनाने वाला है। प्राइस की बात करें तो दोनों टीम्स गोवा में बिजनेस सेट करने के लिए प्लॉट जीतना चाहती हैं, इसीलिए जो भी ये GPL जीतेगा उसे गोवा में अपनी दुकान खोलने को मिलेगी। इसका आइडिया गोपाल और माधव दोनों के दिमाग में है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ये T20 खेलने वाले हैं। अब इतने अतरंगी कैरेक्टर्स है कि बैटिंग अगर माधव करेंगे तो पप्पी भाई नाच नाच कर बॉल डालने आएंगे, और अगर फील्ड पर लकी को हाउस दैट चिल्लाना होगा तो वो अपने कॉमेडी अंदाज में बिना बोले आउट की अपील करेंगे। ऐसे में कौन होगा अंपायर, ये तो हमने बताया ही नहीं। इस शानदार मैच की अंपायर होने वाली है हमारी प्यारी गुड्डी। जी बिल्कुल, सबसे सही और सबसे बैलेंस डिसीजन कोई ले सकता है तो वो गुड्डी ही तो है, इसीलिए रोहित ने गुड्डी के कैरेक्टर को वापस से गोलमाल 5 में लाने का फैसला किया है। गुड्डी वही पुराने जमाने के हीरोइन के जैसे पोलका डॉट्स वाली कॉस्ट्यूम पहनेगी, जो बिल्कुल भी अंपायर जैसी नहीं लगेगी, मगर रोहित का ये वियर्ड क्रिकेट गेम कुछ होने तो ऐसा ही वाला है। अब कहां चौके और छक्के लगते हैं, ये तो देखने लायक होगा दोस्तों। आखिर वो जमीन किससे मिलती है और इसका फैसला ऐसे मूवी की स्टार्टिंग में तो होगा नहीं, इसीलिए हमें तो लगता है मैच ड्रॉ हो जाने वाला है। आखिर मजा तो आएगा, कहानी आगे कैसी बढ़ेगी ये देखने के लिए। ऐसा आइडिया रोहित को आज या कल नहीं आया है दोस्तों, बल्कि रोहित खुद क्रिकेट फॉलो करते हैं, इसीलिए वो काफी समय से ये गेम दिखाना चाह रहे थे मगर मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन हाल ही में विराट के कमबैक फॉर्म को देखते हुए रोहित का भी मन हुआ कि गोलमाल में क्रिकेट दिखाने का ये सबसे सही टाइम है, तो बस लेकर आ रहे हैं रोहित गोलमाल की टीम के साथ ये GPL या फिर यूं कहे गली क्रिकेट इन गोवा। हमें तो लगता है खुद विराट कोहली भी इस मैच को बैठकर तसल्ली से देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। शुरू करेगा माधव, कौन है माधव का दुश्मन, पप्पी भाई के किस हाल में फंसे गोपाल और माधव। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिहा, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, आज खबर लेकर आई हूं फिल्म गोलमाल 5 के बारे में। रोहित शेट्टी ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि गोलमाल 5 जल्दी हमारे बीच आने वाली है। फिल्म की कहानी को लेकर फिलहाल तो कुछ भी खुलासा मेकर्स द्वारा नहीं किया गया है, हालांकि हम आपको इस बार के प्लॉट को लेकर जरूर ही कुछ जानकारी दे सकते हैं।
तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है माधव, लकी और लक्ष्मण नाम के तीन दोस्तों से, जिससे अभी हाल ही में रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने का सोचा है। ये तीनों ही अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेरोजगार। हालांकि हर बार कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करते ही रहते हैं ताकि वो जल्द से जल्द पैसे कमा सके। पिछली बार इन लोगों ने मिलकर एक ढाबा खोला था, हालांकि उसे जल्द ही बंद करना पड़ा क्योंकि ये तीनों कस्टमर्स के बदले सारा खाना खुद ही खा जाते थे। इसके अलावा उन्होंने ट्रैवल एजेंसी शुरू करने का भी सोचा था, जिसने भी ये तीनों ने गोलमाल कर दिया था क्योंकि कस्टमर्स को तय डेस्टिनेशन के बदले ये उन्हें कहीं और ही पहुंचा देते थे, जिस वजह से कस्टमर्स ने गुस्सा होकर उन्हें पीट दिया था और फिर उन्हें अपनी ट्रैवल एजेंसी बंद करनी पड़ी थी। वही माधव, लकी और लक्ष्मण के दो राइवल्स भी है जिनका नाम गोपाल और लक्ष्मण है। ये दोनों अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं माधव और उसकी टीम को फंसाने में। जब भी माधव कोई बिजनेस शुरू करता है, उसे पहले ही गोपाल भी वही बिजनेस करते नजर आ जाता है। हालांकि गोपाल अपनी दुकान में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में ज्यादा कामयाब होता है, वही माधव ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान गोपाल का बिजनेस खराब करने में लग जाता है। वही रियल एस्टेट का फिर एक नया बिजनेस माधव और उसके दोस्तों ने शुरू कर दिया है, जहां पे वो अच्छे से अच्छे लोकेशंस पर लोगों को घर दिलवाने का काम करते हैं। वही पहले हफ्ते तो क्लाइंट जरूर आए थे, पर फिर वो जल्द ही आने बंद हो गए क्योंकि कस्टमर्स को दूसरी कंपनी से अच्छी डील्स मिल रही थी जिसमें उन्हें सस्ते दाम में पॉश एरियाज में घर दिए जा रहे थे। जब माधव, लकी और लक्ष्मण इस कंपनी के बारे में पता लगाने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कंपनी असल में गोपाल और लक्ष्मण चला रहे होते हैं, जो फिलहाल किसी को एक प्लॉट के बारे में बताने में बिजी दिखाई दे रहे थे। माधव को ये देख काफी गुस्सा आता है और वो सीधे गोपाल से दो दो हाथ करने को तैयार हो जाता है। गोपाल भी हमेशा से गर्म दिमाग का रहा है, उसे भी गुस्सा आ जाता है, जिसे देख माधव थोड़ा घबरा कर अपने कदम पीछे कर लेता है। हालांकि वो तब भी गोपाल से सवाल करता है कि आखिर उन्होंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, जिससे गोपाल बोलता है वो पप्पी भाई के लिए काम कर रहा है। जिसे सुन माधव, लकी और लक्ष्मण गुस्सा होकर बोलते हैं झूठ मत बोलो, पप्पी भाई ने हमें ऐसा करने को कहा है। काफी बहस के बाद उस जगह पे पप्पी भाई की एंट्री होती है। गुस्साए माधव और गोपाल जब पप्पी भाई से इस बारे में सवाल करते हैं तो वो उन्हें बोलता है गलत हुआ कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया। पप्पी भाई आगे बताता है कि उसने उन दोनों को प्लॉट बेचने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि ये सारे प्लॉट्स इलीगल हैं और इसका कोई ऑफिशियल पेपर्स नहीं है, और जिसे पप्पी भाई इस बात से अनजान लोगों को लीगल बताकर बेच देता है, और बाद में फिर जब कस्टमर्स को सच पता चलता है तब तक पप्पी भाई वहां से भाग जाता है। वही इलीगल जमीन की वजह से कस्टमर्स को भी पुलिस के चक्कर में पड़ना पड़ता है। पप्पी भाई की इन बातों को सुनकर माधव और गोपाल दोनों ही काफी शॉक में आ जाते हैं और उन्हें गुस्सा भी आता है कि पप्पी उनसे गलत काम करवा रहा था। वही जल्दी वहां पे इंस्पेक्टर तलपड़े की एंट्री होती है, जो माधव, गोपाल के साथ उनके सभी दोस्तों को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि तलपड़े को खबर मिली थी कि कोई इलीगल जमीन को सेल करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग कुछ बता पाते तब तक माधव, गोपाल और सभी जेल में होते हैं। वही वो आगे क्या करते हैं ये बात हमें फिल्म देखकर ही पता चलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। बेरोजगार हुए सारे दोस्त, कौन देगा इनको रोजगार, क्या नई मुसीबत ने दी है दस्तक। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। रोहित शेट्टी की कहानी में अगर ट्विस्ट ना हो तो वो मूवी भी भला कोई मूवी है, और रोहित के करियर की बेस्ट मूवीज में से एक है गोलमाल की सीरीज। और सीरीज में चाहे कितने भी सीक्वल्स जुड़ जाएं, पर ये सारे सीक्वल्स हमेशा से हम सभी के दिलों पर राज करेंगे। अब गोलमाल के फिफ्थ सीक्वल में भी ऐसा ही धमाका देखने को मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि कहानी में किरदार वही होंगे, बस इस बार सिचुएशन होगी कुछ अलग और उनकी वही सिचुएशन देखने में मजा आने वाला है। कहानी की शुरुआत होगी कुछ
ऐसे जहां हम देखेंगे पांच दोस्तों की कहानी जो कि हमारी इस कहानी में किरदार हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं गोपाल, लक्ष्मण, लकी लक्ष्मण और माधव। ये पांच पक्के दोस्त होंगे जो मिले थे थोड़े अटपटे अंदाज में। अब अगर इनकी मुलाकात की बात करें तो अपने रोजगार के लिए भटकते ये मासूम नौजवान जो पहुंचे पपी भाई के दरवाजे पे अपनी बेरोजगारी को मिटाने की फरियाद लेके। जहां पपी भाई की बात करें तो वो ठहरे एक टोन, जिसके बैंक बैलेंस की तरह उनका दिल भी बहुत बड़ा है। और अपने इसी बड़े दिल के साथ पपी भाई ने उनकी मदद करने की ठान ली है। जहां इन पांच को दिया गया है एक टास्क, सभी को पपी भाई ने एक बैग दिया और कहा कि उन्हें उस बैग को पुलिस की नजरों से बचाकर उनके दिए हुए एड्रेस पे पहुंचाना है और इस काम के बदले उन्हें मिलते हैं पूरे 10,000 रुपए। पपी भाई की ये बातें सुन के सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी ने सोचा कि उनका अलग अलग जाना ही बेहतर होने वाला है। लेकिन इन पांचों की जिंदगी अच्छे से बीत जाए ये हो सकता है क्या भला? मुसीबत इनके दरवाजे पे दस्तक ही देने वाली थी। मुंबई सिटी में गणेश चतुर्थी पे भीड़ और पुलिस की स्ट्रिक्ट चेकिंग से इन सभी की मुश्किलें बढ़ गई थी। इस पुलिस की चेकिंग थी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्टर डांडे। अब क्या डांडे जान पाएंगे इन पांचों की मिली भगत के बारे में? क्या पपी भाई को महंगा पड़ेगा ये सौदा? अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो के अगले पार्ट का वेट करना होगा। तब तक के लिए आप बताइए क्या है आपके थॉट्स इस वीडियो पर और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। इमोशनल कहानी, कौन हो जाएगा गोलमाल से गायब, किस पर भरोसा किया है रोहित ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोलमाल 5 का प्लॉट रिवील। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आराम से बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं गोलमाल का अलग एंगल। हमने खूब बात कर ली कि क्या क्या कॉमेडी सीन्स होंगे, किसका करेक्टर क्या करेगा या फिर कौन होगा इस बार का फनीएस्ट विलन। मगर एक बात तो हम सब जानते ही हैं कि गोलमाल में कॉमेडी के साथ साथ 100% एक इमोशनल स्टोरी जुड़ी हुई है। पहली गोलमाल में जहाँ अंधे माँ बाप के बेचारेपन और अकेलेपन की स्टोरी थी, वहीं गोलमाल अगेन में लालच के अंधकार की वजह से मारी गई एक लड़की का इमोशनल प्लॉट था। ऐसे में कॉमेडी प्लस इमोशंस का भरपूर डोज लेकर इस बार भी रोहित शेट्टी अपनी ड्रीम टीम के साथ लौट रहे हैं, इस बार भी आपके दिलों को छू जाने वाली कहानी के साथ। और गोलमाल 5 की टीम छुड़ाने पहुंची कुछ बच्चों को। इसकी शुरुआत होगी मूवी के शुरू हो जाने के आधे घंटे बाद। गोलमाल के सभी मेंबर्स एक चाय की टपरी पर मजाक मस्ती कर रहे होंगे, तभी पहली बार एक बच्चा माधव के पास दौड़ता हुआ आएगा। माधव के पास पहुंचते ही ये बच्चा उसे घबराते हुए कहेगा, मुझे बचा लीजिए भैया, और ये कहकर आगे भाग जाएगा। ऐसे में पूरी टीम को लगेगा कि कोई मस्ती कर रहा है या फिर बच्चों में कुछ हुआ होगा, इसीलिए सब चाय पर चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। मगर ये सब माधव को अजीब लगेगा, आखिर बच्चा उसे जो बात कर रहा था, इसीलिए उस बच्चे की आंखों में माधव को वो डर देखा होगा जो किसी और ने नहीं देखा होगा। लेकिन जब सब चले जाएंगे तब माधव भी ये सोच कर कि उसका वहम है बात नहीं निकालेगा। मगर कौन था ये बच्चा और कहां से आया और कहां गायब हो गया ये बच्चा, इसका जवाब हम नहीं बल्कि गोलमाल की टीम खुद पता लगाएगी। अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो अजीब हो तो जाहिर सी बात है कि कहानी में कुछ ट्विस्ट तो आएगा ही ना। तो बस मूवी में अचानक से गायब हो जाएंगे लकी। जी हाँ, मूवी का मेन प्लॉट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होने वाला है। अब लकी कुछ बोल तो पाता नहीं है, तो पुलिस या किसी को भी कुछ कैसे ही बताएगा। अब आगे पकड़े भी गए तो लकी से कोई भी हानि नहीं है।
अब किडनैपर ने लकी को तब उठाया होगा जब लकी गेम जोन में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होगा। जिन बच्चों के साथ लकी खेल रहा होगा उनमें से ही एक बच्चे की किडनैपिंग ऑलरेडी प्लान्ड होगी। किडनैपर्स का जो हेड होगा उसने वो चाय की टपरी वाला सीन देखा होगा, इसीलिए उसे लकी की शक्ल उस ग्रुप में याद होगी। इसलिए इस बच्चे को छोड़कर लकी को ही किडनैप कर लेंगे ये लोग। गोपाल और अपनी टीम मुंह किसी के सामने नहीं खोले, इसीलिए लकी के थ्रू ब्लैकमेल करने के लिए होगा ये उसका अपहरण। अब जब लकी किडनैपर्स के पास आ ही गया है तो कोई ना मुंह खोले और ना ही उन्हें अपना काम करने में दिक्कतें होंगी। मगर इतने मक्खन जैसे आइडिया एग्जीक्यूट हो जाए तो बात ही क्या है। जहां किडनैपर्स गोलमाल और गैंग को गोलमाल करने से रोकना चाहते हैं, लकी के गायब होने पर पूरे गोवा को सर पर उठा लेंगे ये लोग। जगह जगह जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता चलेगा कि आखिरी बार लकी को गेम जोन में देखा गया था। बस वहां से शुरू होगी असली मूवी। आप शांति से बैठिए और एक्चुअली यूं कहें कि बस देख मत विनोद, पॉपकॉर्न खाते खाते देख। हमेशा के जैसे इस बार भी लकी यानी कि तुषार कपूर पर भरोसा करते हुए रोहित ने उन्हें इंटरेस्टिंग रोल सौंपा है। बिना बोले उन्हें हमें तो एंटरटेन करना ही है, मगर किडनैपर्स को परेशान करना उनका असली एजेंडा होगा। बिना बोले आ ई ऊ में ही किडनैपर्स का माथा खराब कर देंगे लकी, और सभी बच्चों को बचाएंगे भी हमारे हीरो। इसीलिए ही उनकी इस बार की एक्टिंग भी देखने लायक होने वाली है। बाकी जब रोहित शेट्टी का डायरेक्शन है ही तो डरना किस बात का, सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही मिलने वाला है ऑडियंस को। तब तक हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे व्यूज बढ़ाने में मदद कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है। जितनी बार हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर अभी क्लिक कीजिए। क्या नई मुसीबत ने दे दी है दस्तक? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, रोहित शेट्टी की कहानी में अगर ट्विस्ट ना हो तो वो फिल्म भी क्या कोई फिल्म है? और रोहित के करियर की बेस्ट मूवीज में से एक है गोलमाल की सीरीज, और सीरीज में चाहे कितने भी सीक्वल्स जुड़ जाए पर ये सारे सीक्वल्स हमेशा से हम सभी के दिलों पर राज करेंगे। अब गोलमाल के फिफ्थ सीक्वल में भी ऐसा ही धमाका देखने को मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि फिल्म के किरदार तो वही होंगे, बस इस बार सिचुएशन होगी थोड़ी सी अलग और उनकी वही सिचुएशन देखने में मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होगी कुछ ऐसे, जहां हम देखेंगे पांच दोस्तों की कहानी जो कि हमारे इस कहानी के मेन किरदार है। ये पांच पक्के दोस्त होंगे जो मिले थे थोड़े से अटपटे अंदाज में। अब इनकी मुलाकात की बात करें तो अपने रोजगार के लिए भटकते ये मासूम नौजवान पहुंचे थे पप्पी भाई के दरवाजे पे अपनी बेरोजगारी को मिटाने की फरियाद लेके। जहां पप्पी भाई की बात करें तो वो ठहरे एक डॉन, जिनकी बैंक बैलेंस की तरह उनका दिल भी बहुत बड़ा है, और अपने इसी बड़े दिल के साथ पप्पी भाई ने उनकी मदद करने की ठान ली है। जहाँ की पांचों को दिया गया है एक टास्क, सभी को पप्पी भाई ने एक बैग दिया है और कहा कि उन्हें उस बैग को पुलिस की नजरों से बचाकर उनके दिए गए एड्रेस पर पहुंचाना है, और इस काम के बदले उन्हें मिलते हैं पूरे 10,000 रुपए। पप्पी भाई की ये बातें सुनके सभी बहुत खुश हो जाते हैं, और सभी ने सोचा कि उनका अलग अलग जाना ही बेहतर होने वाला है। लेकिन पांचों की जिंदगी अच्छे से बीत जाएगी, हो सकता है क्या भला? मुसीबत इनके दरवाजे पे दस्तक देने ही वाली थी। मुंबई सिटी में गणेश चतुर्थी पर भीड़ और पुलिस की कड़ी चेकिंग से इन सभी की मुसीबतें और बढ़ गई थी। इस पुलिस की चेकिंग थी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्टर डांडे। अब क्या डांडे जान पाएंगे इन पांचों की मिली भगत के बारे में? क्या पप्पी भाई को महंगा पड़ेगा ये सौदा?
अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो के अगले पार्ट का वेट करना होगा। तब तक के लिए आप हमें बताइए कि क्या है आपके थॉट इस वीडियो के बारे में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। एलियन आएगा इस बार? क्या पप्पी भाई की होगी एंट्री? क्या होगा ऑटोमेटेड चिप का गोलमाल? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म गोलमाल 5 के बारे में। रोहित शेट्टी अब गोलमाल 5 के साथ लौटने वाले हैं। हालांकि उनकी ये फिल्म इस बार क्या धमाल लाएगी, ये तो हमें जरूर ही जानना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां गोलमाल 4 भूत से रिलेटेड थी, वही गोलमाल 5 असल में एलियन से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम गोपाल और लक्ष्मण है। वही उन्हीं के घर के बगल में तीन और लोग रहते हैं, जो है माधव, लक्ष्मण और लकी, जिनसे गोपाल की बिल्कुल नहीं बनती। ये दोनों ही पड़ोसी एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, पर कुछ ऐसे लड़ते हैं कि इनकी लड़ाई को जो भी देख रहा होता है उन्हें हंसी आ जाती है। खैर, एक दिन क्या होता है कि गोपाल जानबूझकर अपने घर के बाहर आकर लक्ष्मण से जोर से बोलता है कि पता है मेरे पास एक मस्त प्लान है, इससे हमारे दुश्मन को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। गोपाल की इस बात को अपने घर के एरिया में बैठा माधव चुप कर सुन रहा होता है, जिसे जानबूझकर गोपाल अपनी बात सुनाना चाह रहा था। वही ऐसा सुनने के बाद अब माधव ये जानना चाहता है कि आखिर गोपाल किस बारे में प्लान करने वाला है। बहुत सोचने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो अपने दोस्त पप्पी भाई को फोन करता है, जो असल में एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाता है। माधव वही पप्पी भाई से एक ऐसी चिप की डिमांड करता है जिससे वो अपने पड़ोसी की बात सुन सके। वही पप्पी भाई का इलेक्ट्रिकल शॉप बहुत पुराना होता है, जहां कई तरह की पुरानी चीजें हैं, जहां पे बहुत खोजने पे पप्पी भाई को एक ऑटोमेटेड चिप मिलती है, जिससे वो माधव को ये कह कर देता है कि अगर तुम इस चिप को अपने पड़ोसी के घर में लगा दो तो हम घर बैठे इस कंट्रोलर से उनकी आवाज सुन सकते हैं। माधव पप्पी भाई की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। हालांकि अब चैलेंज था तो उस चिप को अपने पड़ोसी गोपाल के घर लगाने का। इसी वजह से माधव सारा प्लान समझाकर लकी को गोपाल के घर भेजता है, जहां पे लकी उनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं माधव चुपके से गोपाल के घर में घुसकर चिप को सोफे के पीछे लगा देता है, और फिर माधव और लकी चालाकी से वापस अपने घर आ जाते हैं। वही चिप लगाने के बाद खुद माधव रात में लकी और लक्ष्मण के साथ बैठकर रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करता है, और इसके लिए वो कंट्रोलर को ऑन कर देता है। वही इस कंट्रोलर पे एक बड़ा एंटीना भी लगा हुआ होता है। हालांकि काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब कुछ सुनाई नहीं देता है तो कंट्रोलर को एक कबाड़ समझकर माधव, लक्ष्मण और लकी सो जाते हैं। वही आधी रात को गोपाल और लक्ष्मण को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे गोपाल उठ जाता है। हालांकि आवाज काफी ब्लडी होती है और उसमें से रोबोट की तरह आवाज आ रही होती है, जिसे समझ पाना मुश्किल होता है। वही दूसरी तरफ माधव के बगल में रखा कंट्रोलर भी अचानक से ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिसमें कुछ सिग्नल नजर आता है। वही माधव की कंट्रोलर की लाइट से नींद खराब हो रही थी, इसी वजह से वो जोर से कंट्रोलर को अपने बेड से दूर फेंक देता है, और ये सोचकर कि वो बंद हो जाएगा। हालांकि आवाज और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे लकी और लक्ष्मण भी उठ जाते हैं। वही कुछ ही देर में जोर से रेड लाइट जलती हुई नजर आती है, जिससे दोनों पड़ोसी के घर में आधी रात को अंधेरे में लाल रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसे देख गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लकी और दूसरा लक्ष्मण अपने घरों से बाहर आकर देखते हैं तो आसमान में उन्हें एक UFO जैसी चीज नजर आती है, जो काफी दूर तक रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। वही इसे देख सभी लोग घबरा जाते हैं।
यूएफओ जितना पास आ रहा था, चिप और कंट्रोलर से उतनी ज्यादा आवाज बढ़ रही थी, क्योंकि वो ऑटोमेटेड चिप असल में एक ऐसा डिवाइस था जिसे एलियन से कनेक्ट किया जा सकता है। इस डिवाइस को एक साइंटिस्ट ने पप्पी भाई को सस्ते दाम में बेच दिया था, जिसे बाद में पप्पी भाई ने माधव को दे दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। गोपाल का डबल रोल गोलमाल फाइव में, क्या तुषार कपूर रख रहे हैं फिर से बोलने की मार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इस बार गोलमाल में होगा गोपाल का डबल डोज। उस तरीके से हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये गोपाल 2.0 कैसे खड़ी करेगा मुसीबतें। जी हाँ, अजय देवगन मूवी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल में दिखाई देने वाले हैं, जहां वो गोपाल का ही रोल प्ले करेंगे। रोहित शेट्टी के प्लॉट के हिसाब से ये नया गोपाल एक्चुअल गोपाल के प्रेजेंस में आता जाता रहेगा, और सबसे पहले गोपाल और लक्ष्मण की जोड़ी में दरारें पैदा करेगा, और उसके बाद फाइट हो जाएगी 1 vs 4 में। जी हाँ, आज तक 2 vs 3 की लड़ाई, यानी कि हमने अजय देवगन और श्रेयस तलपड़े की एक टीम देखी है, वहीं उनका मुकाबला हर बार अर्शद वाशी, तुषार कपूर और कुणाल खेमू के साथ होता है। लेकिन ये हमशक्ल गोपाल समय समय पर बाकी चारों को परेशान करता हुआ दिख सकता है, और जिसकी वजह से श्रेयस का कैरेक्टर भी अर्शद की टीम में चला जाएगा, और ऐसे में रियल गोपाल कंफ्यूज हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस वजह से वो शहर को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन फिर से गोपाल 2.0 का एक्चुअल एजेंडा पता चलेगा कि वो इन चारों में से किसी एक को किडनैप करने आया है, ताकि वो उसे अपने मालिक यानी कि परेश रावल के लिए बंदी बनाकर ले जा सके, और बाद में इसी को अपना मजदूर बनाएंगे और उससे अपना काम निकलवाएंगे। बस फिर क्या, ये गोपाल लौट आएगा अपनी दोस्तों को बचाने के लिए। अब इस किडनैपिंग का टॉपिक सुनकर अगर आपको ये लग रहा है कि मूवी सीरियस होगी, तो आप गलत है। गोलमाल में क्राइम भी ना मजेदार तरीके से दिखाया जाता है, और इस क्राइम और हमशक्ल की कहानी ना आपको हंसा हंसा के पागल कर देगी। ये हमशक्ल गोपाल का रोल अजय काफी फनी तरीके से निभाने वाले हैं, जहां वो बार बार अलग अलग अवतार में नजर आएंगे। दरअसल ये नया गोपाल पागल होने की एक्टिंग करेगा, और जिसकी वजह से सब इसे अलग कर देंगे। अब गोलमाल में गोपाल की कहानी का लुत्फ आप कैसे उठाएंगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसी वजह से बड़े लंबे अरसे के बाद हमें अजय का कॉमेडी अवतार देखने को मिलने वाला है, और वो भी उस समय जब बॉलीवुड की गाड़ी ट्रैक पर नहीं चल रही है। हाँ, अजय हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थैंक गॉड में भी एक फनी अवतार में दिखने वाले हैं। लेकिन एज वी ऑल नो, नथिंग इज बेटर देन अजय प्लेइंग गोपाल इन गोलमाल, है ना। बस पर क्या, अजय एक नए डबल रोल में लेकर आने वाले अपने साथ कई सारे सियापे, ताकि आप सब पेट भरकर हंस सके। हमें तो बस इतना ही बताया गया है कि ये रोल में गोपाल पागल होने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन इस पागल गोपाल में कितनी क्षमता है आपको हंसाने की, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए अपने फेवरेट कैरेक्टर को चुनने के लिए, जब तक कि अजय तैयार होते अपने इस डबल रोल के लिए। लकी लकी लकी, तुषार कपूर का वो रोल जिसमें उन्होंने बिना बोले ही लोगों के दिलों को जीत लिया, आज भी गोलमाल सीरीज में गूंगा ही है। अब तुषार कपूर बोल के अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, मगर बिना बुलवाए रोहित ने उनसे लकी का कैरेक्टर अच्छे से एक्ट करवा लिया था। बस फिर क्या, हर बार हवा उड़ती है और आपके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि तुषार इस बार गोलमाल में बोलेंगे। नहीं नहीं, रोहित से इस बार भी कंफर्म करने के बाद यही पता चला है कि तुषार कपूर का लकी कैरेक्टर कभी भी ऑन स्क्रीन बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। रोहित ने ऐसा कमेंट भी पास करके दिया कि अगर लकी का 2.0 वर्जन आएगा, यानी कि लकी का हमशक्ल,
तो वो भी कभी नहीं बोल पाएगा। लकी का कैरेक्टर ही ऐसा है और रोहित इसे किसी भी फैन थ्योरी या फिर ऑडियंस की मांग के लिए बदलेंगे नहीं। आखिर हर किसी का कैरेक्टर इतना यूनिक जो बनाया रोहित ने, तो हम कैसे पे उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। पप्पी भाई आएंगे डोन बन के, क्या अधूरी रह गई लक्ष्मण की स्टोरी, क्या सच में सुधर गए पप्पी भाई। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हम सभी ये बात तो जानते हैं कि जल्द ही हम फिल्म गोलमाल 5 एडिशन देखने वाले हैं, जिसमें हम फिर से उसी कास्ट को देखेंगे जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। लेकिन फिल्म के इस सीक्वल में होंगे कुछ चेंजेस, जहां हम फिल्म के किरदार की जिंदगी में बदलाव देखने वाले हैं। अब उनकी जिंदगी का ये बदलाव आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिल्म की शुरुआत होगी कुछ ऐसी जहां पप्पी भाई बन चुके होंगे सिटी डॉन। पप्पी भाई की बिग एंट्री को दिखाया जाएगा, जहां वो निकलेंगे एक बड़ी गाड़ी से और उनके दोनों चेले दगा सिंह यानी संजय मिश्रा और तेजा भाई यानी व्रजेश उनके साथ चलते हुए दिखेंगे। वहीं पप्पी भाई के बैकग्राउंड में गिनती दिखाई जाएगी, जहां वो घिरे होंगे 10 बॉडीगार्ड्स के बीच में। वो अपने बड़े से महल में रहते हैं। पप्पी भाई के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, मानो कोई ग्लो आ गया हो। फ्लैशबैक में जहां पप्पी भाई एक बेरोजगार होता है, वो नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं उसी महल में जहां वो अब रहते हैं और देखता है कि महल का नौकर मिथुन दा के खाने में कुछ मिला रहा होता है, जिसके बाद वो इस बात का खुलासा करने के लिए मिथुन दा के सामने वही खाना रख देता है। वहीं मिथुन दा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि एक डोन होते हैं, पर इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं होता और कई लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। पप्पी भाई के होश में आते ही मिथुन दा उन्हें अपना बेटा बना लेते हैं और अपने वफादार यानी दगा सिंह और तेजा को कहते हैं कि पप्पी का साथ कभी ना छोड़ना। और बस अपनी इस कहानी को याद करते ही पप्पी भाई की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने आंसू पोंछ के मिथुन दा की तस्वीर के पैर छूते हैं। वहीं पप्पी भाई हफ्ते में एक दिन एक ऐसा इंसान की मदद करता है जो इस दुनिया में दुखी हो, क्योंकि एक वक्त पर उनके हालात भी वैसे ही थे। इस खबर को सुन के लक्ष्मण खुश होके पप्पी भाई के पैर छूता है और वहां से चला जाता है, जहां बाहर माधव और लकी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ होगा इसके आगे, क्या पप्पी को बेवकूफ बनाया गया या फिर सच में टूटा है लक्ष्मण का दिल। अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। एलियन आएगा इस बार, क्या पप्पी भाई की होगी एंट्री, क्या होगा ऑटोमेटेड चिप का गोलमाल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म गोलमाल 5 के बारे में।
रोहित शेट्टी अब गोलमाल 5 के साथ लौटने वाले हैं। हालांकि उनकी ये फिल्म इस बार क्या धमाल लाएगी ये तो हमें जरूर ही जानना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां गोलमाल 4 भूत से रिलेटेड थी वही गोलमाल 5 असल में एलियन से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम गोपाल और लक्ष्मण है। वहीं उन्हीं के घर के बगल में तीन और लोग रहते हैं जो है माधव, लक्ष्मण और लकी, जिनसे गोपाल की बिल्कुल नहीं बनती। ये दोनों ही पड़ोसी एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, पर कुछ ऐसे लड़ते हैं कि इनकी लड़ाई को जो भी देख रहा होता है उन्हें हंसी आ जाती है। खैर, एक दिन क्या होता है कि गोपाल जानबूझकर अपने घर के बाहर आकर लक्ष्मण से जोर से बोलता है कि पता है मेरे पास एक मस्त प्लान है, इससे हमारे दुश्मन को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। गोपाल की इस बात को अपने घर के एरिया में बैठा माधव चुप कर सुन रहा होता है, जिसे जानबूझकर गोपाल अपनी बात सुनाना चाह रहा था। वही ऐसा सुनने के बाद अब माधव ये जानना चाहता है कि आखिर गोपाल किस बारे में प्लान करने वाला है। बहुत सोचने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो अपने दोस्त पप्पी भाई को फोन करता है जो असल में एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाता है। माधव वही पप्पी भाई से एक ऐसी चिप की डिमांड करता है जिससे वो अपने पड़ोसी की बात सुन सके। वही पप्पी भाई का इलेक्ट्रिकल शॉप बहुत पुराना होता है, जहां कई तरह की पुरानी चीजें हैं, जहां पे बहुत खोजने पे पप्पी भाई को एक ऑटोमेटेड चिप मिलती है जिससे वो माधव को ये कहकर देता है कि अगर तुम इस चिप को अपने पड़ोसी के घर में लगा दो तो हम घर बैठे इस कंट्रोलर से उनकी आवाज सुन सकते हैं। माधव पप्पी भाई की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। हालांकि अब चैलेंज था तो उस चिप को अपने पड़ोसी गोपाल के घर लगाने का। इसी वजह से माधव सारा प्लान समझाकर लकी को गोपाल के घर भेजता है, जहां पे लकी उनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है। वहीं माधव चुपके से गोपाल के घर में घुसकर चिप को सोफे के पीछे लगा देता है और फिर माधव और लकी चालाकी से वापस अपने घर आ जाते हैं। वही चिप लगाने के बाद खुद माधव रात में लकी और लक्ष्मण के साथ बैठकर रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करता है और इसके लिए वो कंट्रोलर को ऑन कर देता है। वही इस कंट्रोलर पे एक बड़ा एंटीना भी लगा हुआ होता है। हालांकि काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब कुछ सुनाई नहीं देता है तो कंट्रोलर को एक कबाड़ समझकर माधव, लक्ष्मण और लकी सो जाते हैं। वही आधी रात को गोपाल और लक्ष्मण को कुछ आवाज सुनाई देती है जिससे गोपाल उठ जाता है। हालांकि आवाज काफी ब्लरी होती है और उसमें से रोबोट की तरह आवाज आ रही होती है जिसे समझ पाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ माधव के बगल में रखा कंट्रोलर भी अचानक से ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करने लगता है जिसमें कुछ सिग्नल नजर आता है। वहीं माधव की कंट्रोलर की लाइट से नींद खराब हो रही थी, इसी वजह से वो जोर से कंट्रोलर को अपने बेड से दूर फेंक देता है और ये सोचकर कि वो बंद हो जाएगा। हालांकि आवाज और भी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे लकी और लक्ष्मण भी उठ जाते हैं। वही कुछ ही देर में जोर से रेड लाइट जलती हुई नजर आती है जिससे दोनों पड़ोसी के घर में आधी रात को अंधेरे में लाल रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसे देख गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लकी और दूसरा लक्ष्मण अपने घरों से बाहर आकर देखते हैं तो आसमान में उन्हें एक UFO जैसी चीज नजर आती है जो काफी दूर तक रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। वही इसे देख सभी लोग घबरा जाते हैं। UFO जितना पास आ रहा था चिप और कंट्रोलर से उतनी ज्यादा आवाज बढ़ रही थी, क्योंकि वो ऑटोमेटेड चिप असल में एक ऐसा डिवाइस था जिसे एलियन से कनेक्ट किया जा सकता है। इस डिवाइस को एक साइंटिस्ट ने पप्पी भाई को सस्ते दाम में बेच दिया था, जिसे बाद में पप्पी भाई ने माधव को दे दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इंडियन वेडिंग में क्या सच में वसूली लेंगे चिंटू के साथ फेरे,
हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्रैड स्टूडियोस और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। गोलमाल में आज तक आपने इतने सारे इवेंट्स देखे हैं कि अब ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी के पास क्या ही बचा है दिखाने को। चार बड़ी बड़ी गोलमाल फैमिली एंटरटेनर्स बनने के बाद अब क्या नया लेकर आएंगे रोहित, ये गेस कर पाना होगा मुश्किल। मूवी में इतने कैरेक्टर्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी दोस्ती, उनका झगड़ा, उनका प्यार, उनकी दुश्मनी, उनका घूमना, उनका आपस में मजे करना सब दिखा चुके हैं रोहित। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है गोलमाल 5 के लिए रोहित का बड़ा प्लान। मूवी के इस 5th इंस्टॉलमेंट में आने वाला है एक साइड कैरेक्टर लाइमलाइट में। जी हाँ, द फेमस वसूली की होने वाली है गोलमाल 5 में शादी। इसकी चर्चा तो अब होने लगी है, मगर बॉलीग्राड स्टूडियोज आप तक लेकर आया है कि कैसे होगी ये शादी। वसूली, जो कि मूवी में संजय दत्त के हमशक्ल होने के किरदार निभाते हैं, रोहित का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। उनकी लव स्टोरी हमेशा से ही चिंटू के साथ दिखाई गई है, तो बस इस बार उनके प्यार को अंजाम देते हुए वसूली और चिंटू जी की एक बिग फैट इंडियन वेडिंग दिखाने वाले हैं रोहित। आपको ये ग्रैंड वेडिंग गोवा के बीच साइड पर देखने को मिल सकती है, जिसमें पूरी की पूरी गोलमाल की टीम सज धज के ढोल नगाड़ों के साथ करेगी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज। बीच पे सिंह मंडप भी लगाया जाएगा, तो वसूली को शेरवानी और चिंटू को लाल लहंगा भी पहनाया जाएगा। वेडिंग का थीम व्हाइट और रेड होगा, जिसकी वजह से अरेंजमेंट भी इन्हीं कलर्स के होंगे। और हाँ, आपको फेसबुक यानी कि दब्बू का डॉग भी इसी मैचिंग से क्यूट आउटफिट में दिखेगा। दावत भी लगेगी, तो शादी वाला माहौल भी बिल्कुल एक नंबर होगा। गोलमाल में ये शादी दरअसल एक खास रीजन से कराई जा रही है। मूवी में नेगेटिव रोल में परेश रावल एक गुरुजी के किरदार में दिखेंगे, इसी की वजह से गोलमाल की टीम उन्हें पकड़ने के लिए ये झूठी शादी ऑर्गेनाइज कर सकती है। गुरुजी को स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए शादी की शुरुआत में बुलाया जाएगा। ये इनविटेशन वसूली भाई देंगे, क्योंकि वो गुरुजी को जानते होंगे। स्पेशली बड़ी कार से उतरेंगे ये गुरुजी। अपनी ऑथेंटिक नारंगी कलर के लिबास में ये गुरुजी वसूली और चिंटू को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। गुरुजी आएंगे तो अपने आश्रम से, मगर जाएंगे सीधा जेल। ये सीन मूवी का क्लाइमेक्स सीन हो सकता है, जहां गुरुजी की सच्चाई गोपाल बाहर लेकर आएंगे। आज तक जितनी भी लोगों को गुरुजी ने दक्षिणा और दान के नाम पर लूटा होगा, वो सभी इस शादी के गेस्ट होंगे। अब गोपाल वसूली को अगला बकरा बनाने का प्लान बना चुके हैं। गुरुजी वसूली को आशीर्वाद देने के बदले 50 लाख मांगेंगे, वरना उसे श्राप देने की धमकी देंगे। इतना ही नहीं, गुरुजी पंडित को खरीदने की भी बात करेंगे और वसूली को ये जताएंगे कि अगर 50 लाख रुपए अभी के अभी नहीं दिए तो उनकी शादी कोई नहीं कराने आएगा और उनके गुंडे चिंटू यानी कि वसूली की होने वाली बीवी को किडनैप कर लेंगे। बस यही बात गोपाल एंड गैंग छुपके से रिकॉर्ड कर लेंगे, जिससे गुरुजी का सच सबके सामने आ जाएगा। गोपाल ऑलरेडी पुलिस को भी इस फंक्शन में इनवाइट कर लेगा, ताकि गुरुजी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। ऐसे में बहुत से गवाह तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ही, इसलिए उस गुरुजी का असली चेहरा लाने में गोपाल एंड गैंग को आसानी होगी। ये खुलासा वसूली और चिंटू के फेरे लेने से पहले ही हो जाएंगे, इसलिए मूवी में वो सिर्फ शादी करने का ढोंग करेंगे। हमारे फेवरेट वसूली एक बार फिर रह जाएंगे सिंगल। शादी बस एक ड्रामा होगी और गुरु जी की पकड़े जाने के बाद जब कुछ सामने आएगा और वो वसूली के अकेले ही रहना पड़ेगा। What a sad news, but it is what it is. गोलमाल में कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी, जैसे लकी का ना बोलना और वसूली का सिंगल रहना। तब तक आप जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियोस को।
क्या नाम होगी फिल्म के कॉन्सेप्ट में। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूँ अंकिता। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी फिल्म तो होगी ना जिससे आप सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार देखना पसंद करेंगे। उस फिल्म से एक ऐसी अटैचमेंट होगी जिनकी वजह से आपका मूड चाहे कितना भी खराब हो उस फिल्म को देखते ही ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा ही चुनिंदे फिल्मों की लिस्ट में एक नाम हर किसी के जुबा पे होता है और वो फिल्म है गोलमाल। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि गोलमाल का हर सीक्वल आपको पसंद आए हो। हाँ, बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें पसंद भी आया होगा, पर गोलमाल सीरीज में आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे वक्त के साथ साथ गोलमाल और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। अब फिल्म के गानों के साथ फिल्म के किरदार और उनके द्वारा बोले गए उनके डायलॉग्स भी फेमस होने लगे। ऐसा ही एक डायलॉग हम सभी कहीं ना कहीं सुना होगा, जब कोई धीरे बोले तो उसे बोल दो कि अरे जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों, क्या आपको याद आया कि हम किस किरदार की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मुकेश तिवारी की, जिन्हें हम फिल्म में वसूली भाई के तौर पर देखते हैं। फिल्म में उनका किरदार इंस्पायर है संजय दत्त की फिल्म वास्तव के किरदार से। हम सभी ने वसूली भाई के फिल्म को पहले पार्ट से देखा है और उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। गोलमाल के सेकेंड पार्ट यानी गोलमाल रिटर्न्स में हमने अश्विनी कलेशकर को देखा है, जो फिल्म में वसूली भाई के लव इंटरेस्ट के तौर पर हमें दिखाई दिए थे, जिसके बाद वह फिल्म के हमें थर्ड सीक्वल में भी वसूली के अपोजिट दिखाई दी थी, जहां इनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन फिल्म के चौथे सीक्वल में वह हमें वसूली नहीं बल्कि पप्पी भाई के गर्लफ्रेंड के तौर पर दिखाई दी थी और वही फिल्म की उनकी स्क्रीन टाइमिंग भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिल्म का पांचवा सीक्वल देखने के साथ साथ इस बार फैंस उम्मीद कर रहे हैं हमें वापस एक बार अश्विनी और वसूली की जोड़ी देखने को मिलने वाली। फिल्म के सीक्वल में हमें वो एज अ मैरिड कपल के तौर पे दिखाई नहीं दिए, तो वो हमें इस बार मिस्टर एंड मिसेस के तौर पे दिखे। वैसे क्या आप जानते हैं कि फिल्म में रियल लाइफ मैरिड कपल भी है, जो फिल्म के लगभग हर सीक्वल में शामिल है और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया है। फिल्म के मुरली शर्मा पुलिस अफसर और अश्विनी कलेशकर ने रियल लाइफ मैरिड कपल है। इन दोनों ही एक्ट्रेस ने साल 2015 में शादी कर ली थी। इन दोनों ही एक्ट्रेस के प्यार की शुरुआत हुई थी दोस्ती से, जब इन्होंने फिल्म अपहरण के साथ में काम किया था। इन दोनों के एक्टर्स को पर्सनालिटीज एक दूसरे से काफी अलग है, ऐसा खुद अश्विनी ने कहा है। लेकिन कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट, कुछ ऐसा ही इन दोनों की जोड़ी के साथ हुआ। आपको कैसी लगती है इनकी जोड़ी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर हम गोलमाल के फिफ्थ सीक्वल की बात करें तो गोलमाल के सीक्वल में हमने अब तक जो कहानी देखी वो थी दोस्ती की, अनाथ बच्चों की और भूतों की। अब फिल्म के फिफ्थ सीक्वल में क्या नया लाएंगे रोहित, ये जानने के लिए हम सब बेताब है। रोहित की फिल्म भले ही कॉमेडी हो पर फिल्म में इमोशनल टच तो होता ही है और बस वही कहानी का मेन फोकस होता है। वैसे क्या लगता है आपको फिल्म के फिफ्थ सीक्वल के कहानी के बारे में? क्या फिर से भैया की नोक झोंक वाला एंगल होगा सही इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। किस बिजनेस को शुरू करेगा माधव? कौन है माधव का दुश्मन? किस हाल में फंस जाएंगे माधव और गोपाल? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम जानते हैं एक ऐसी ही फिल्म के बारे में जिस फिल्म ने अब तक लोगों को काफी हंसाया है, काफी एंटरटेन भी किया है। रोहित शेट्टी ने गोलमाल 5 की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि मेकर्स की तरफ से फिल्म के प्लॉट को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन हम आ गए हैं फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड जानकारी आप सभी को देने। तो इस बार दिखाया जाएगा कि माधव, लकी और लक्ष्मण मिलकर खोलेंगे कई सारी कंपनीज, कई सारे बिजनेसेस।
सारे बिजनेसेस में ही कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी और इन लोगों को स्विच करना पड़ेगा दूसरे बिजनेस पर। आपको बता दें, सबसे पहले ये लोग शुरू करेंगे एक ढाबे का बिजनेस, जहां पर ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और इनका ये बिजनेस ठप हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि उस ढाबे पे कस्टमर्स को खिलाने वाला खाना ये तीनों मिलकर ही खा जाएंगे। इसके बाद ये तीनों शुरू करेंगे ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी भी बंद हो जाएगी क्योंकि जो भी कस्टमर्स इनके पास आएंगे ये उन्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की जगह कहीं और ही पहुंचा देंगे और उसकी वजह से वो सारे कस्टमर्स इनको मिलकर पीटेंगे भी। खैर, अब तक ये देखा गया है कि गोपाल और लक्ष्मण मिलकर इन तीनों के आइडियाज को कॉपी करते हैं। जो बिजनेस ये शुरू करते हैं उसी बिजनेस को वो भी शुरू कर लेते हैं। आपको बता दे कि अब इसके बाद होगा कि माधव, लकी, लक्ष्मण शुरू करेंगे रियल एस्टेट का बिजनेस। अब इस बिजनेस में उन्हें शुरू में काफी फायदा भी होने वाला होगा। खैर, इस बार वो काफी सारे कस्टमर्स को काफी अच्छी अच्छी जगह दिलाएंगे सस्ते दामों में। कुछ टाइम तक तो लोग इनके पास आएंगे भी, इनका बिजनेस काफी ग्रो करने लगेगा। वहीं कुछ टाइम बाद ये सारे कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे एक दूसरी कंपनी पे, क्योंकि वो दूसरी कंपनी में उन्हें बेटर रेट्स में पॉश एरिया में प्लॉट्स मिल रहे हैं। अब जब माधव, लकी, लक्ष्मण पता करते हैं कि ये दूसरी कंपनी किसकी है, तो पता चलता है कि ये दूसरी कंपनी है गोपाल और लक्ष्मण की ही। वहां पर वो देखते हैं कि गोपाल एक कस्टमर को एक प्लॉट के बारे में डिटेल्स भी बता रहा होता है और उसके बाद माधव का पारा हाई हो जाता है। माधव जाता है और गोपाल को कहता है कि तुम मेरा बिजनेस क्यों कॉपी करते रहते हो, क्यों तुमने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। जिस बात पर जवाब देते हुए गोपाल कहता है कि हम लोग ये सारा काम पप्पी भाई के लिए कर रहे हैं। माधव कहता है तुम झूठ मत बोलो मुझसे। गोपाल कहता है कि सच में, और इन दोनों की बहस बढ़ती ही जाती है। इसी बीच एंट्री होती है पप्पी भाई की और पप्पी भाई कबूल करते हैं कि कैसे वो दोनों लोगों से ये अपने प्लॉट्स बिकवा रहे थे, क्योंकि अपेरेंटली ये सारे प्लॉट्स इलीगल थे और इलीगल प्लॉट्स ऐसे तो बिक नहीं जाते। इससे पहले भी पप्पी भाई लोगों को इलीगल प्लॉट्स लीगल कहकर बेच चुके हैं और उसकी वजह से पुलिस उन्हें कई बार गिरफ्तार भी कर चुकी है। खैर, इस बार जब ये पप्पी भाई कन्फेस करेंगे तो गोपाल और माधव काफी गुस्सा हो जाएंगे। इसी बीच एंट्री होगी ऑफिसर तलपड़े की और ऑफिसर तलपड़े अरेस्ट कर लेंगे लक्ष्मण, माधव, लकी और गोपाल और लक्ष्मण को। ये पांचों पुलिस को समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन ऑफिसर किसी की भी नहीं सुनेंगे। खैर, अब इसके आगे देखना दिलचस्प होगा क्या होता है और इसके आगे की कहानी जानने के लिए हम सभी को फिल्म देखने जाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गोपाल की जंग, क्या गिरफ्तार करेंगे इंस्पेक्टर धांडे? क्या इस बार गोपाल तोड़ेगा माधव की उंगली? माधव और गोपाल की दुश्मनी तो हमने फिल्म के हर सीरीज में देखी है, जहां दोनों एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए रहते हैं। तो अब फिल्म की इस फिफ्थ सीरीज में भी हमने उनकी वो दुश्मनी नहीं देखी, तो फिल्म देखने में क्या ही मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ऐसे पॉइंट से जहां गोपाल ने एक बाबा का रूप लिया है और तभी माधव गोपाल को एक ढोंगी बाबा साबित करने के लिए भीड़ इकट्ठा करता है और इसी दौरान हो जाती है दोनों में बहस और ये दोनों दे देते हैं एक दूसरे को चुनौती कि जो भी हारेगा उससे माननी पड़ेगी जीतने वाली की बात। जहां एक तरफ गोपाल के जीतने पे माधव बनेगा उसका चेला, वहीं माधव के जीतने पे गोपाल को मानना होगा कि वो एक ढोंगी बाबा है। अब इन दोनों के साथ साथ वहां के लोगों के बीच भी शर्त लग गई है।
मतलब लोगों ने भी इन पे शर्त लगाना शुरू कर दिया है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इस शर्त के पैसे जमा कर रहा था लक्ष्मण, और वहीं लोगों का शोर चालू हो गया और लोगों की आवाज गूंजने लगी गोपाल बाबा के कानों में, क्योंकि सब नारे लगा रहे थे कि जीतेंगे भाई जीतेंगे, माधव भाई जीतेंगे। फिर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और शर्त के पैसे भी। इसमें माधव गोपाल को उंगली दिखा के कहता है कि बाबा अगर तुम ढोंगी नहीं हो तो चमत्कार करके दिखाओ। और माधव की उंगली निकालते ही गोपाल को दौरा पड़ता है और वो तोड़ देता है माधव की उंगली, जिसके बाद माधव के सपोर्टर्स गोपाल और उसके भक्तों पे हमला करने लगते हैं और एक बड़ी भीड़ और तमाशा होने लगता है। और कई लोगों के लड़ने के बाद एक आदमी उठता है और कहता है कि भाइयों हम लूट गए, वो हमें चूना लगा के चले गए, वो बाबा और माधव सारे पैसे लेकर भाग गए। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी बड़ी झुंड के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां इंस्पेक्टर धांडे से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि गोपाल और माधव के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए क्योंकि वो उनका पैसा लेकर भाग गए। ये सुनने के बाद धांडे कहते हैं कि आप सभी को ऐसे ढोंगी लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं रिपोर्ट लिख लेता हूं और उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। गोपाल और माधव तुम दोनों अब नहीं बचोगे मेरे हाथों से। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इंस्पेक्टर धांडे के हाथ लग जाएंगे ये दोनों? क्या ये गोपाल और माधव की मिली भगत होगी? क्या है आपके थॉट्स इसके ऊपर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। इंस्पेक्टर धांडे की नजरों से बचेगा गोपाल? क्या सुनने मिलेगी गोवा की कहानी? क्या फ्रॉड बन के पैसे लूटे जाएंगे? पुलिस स्टेशन में कई लोगों की भीड़ देखकर इंस्पेक्टर धांडे लोगों की इस भीड़ को काबू करने के लिए बाहर आते हैं। लोगों के गुस्से को देखकर धांडे गंधारी पुलिस कांस्टेबल से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तब गंधारी कहते हैं, सर गोपाल बाबा और माधव नाम के दो इंसान इनके पैसे लेकर भाग गए हैं। गोपाल बाबा जो एक बाबा बन के लोगों को भाषण दे रहा था और उन्हें बेवकूफ बना रहा था, वहीं इसके पर्दे का फाश करने के लिए माधव लोगों की टोली लेके उनके पास जाता है और कहता है कि ये बाबा ढोंगी है, और लोगों को बहला के शर्त लगाता है, जिसके बाद सभी शर्त लगाते हैं और उसमें पैसे भी डाल देते हैं और वो दोनों ही फ्रॉड इन दोनों के पैसे लूट के भाग जाते हैं। अभी ये अपने पैसों को वापस चाहते हैं और उन लोगों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ये सभी बात सुन के धांडे कहते हैं कि गांधारी इन दोनों बंदों की कुंडलियां निकालो, अब ये दोनों मुझसे बच नहीं पाएंगे। धांडे कहते हैं ये फ्रॉड तो गोवा में हुआ है और इतने लंबे टाइम के बाद वो यहाँ होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो इस स्टेट को छोड़ के भाग गए होंगे और वो कहाँ जा सकते हैं इस बात का पता लगाना होगा। वहीं गोपाल और लक्ष्मण निकल चुके होते हैं इस शहर से दूर, और गोपाल कहता है सब अच्छा चल रहा था तब उस माधव ने अपनी टांग घुसाई, लोगों का हम पे से विश्वास भी बढ़ गया था और एक जगह से चंदा कलेक्ट कर लेते तो अपने आप ही ये शहर छोड़ के चले जाते। तब लक्ष्मण कहता है ओह नो गोपाल, ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया है, गोवा पुलिस के बेस्ट ऑफिसर को हमें पकड़ने के लिए अपॉइंट किया गया है, इंस्पेक्टर मोहन धांडे को ये केस सौंपा गया है, अब हम क्या करेंगे गोपाल? लक्ष्मण की ये बात सुनके गोपाल टेंशन में तो आ जाता है, फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो कहता है कि लक्ष्मण हम वहां जाएंगे जहां हमें धांडे क्या कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा, प्लान बी इज ऑन। गोपाल की ये बात सुनके लक्ष्मण भी खुश हो जाता है और कहता है गोपू प्लान बी इज ऑन। क्या है गोपाल और लक्ष्मण का प्लान बी? क्या इंस्पेक्टर धांडे होंगे कामयाब गोपाल को पकड़ने में, या फिर गोपाल दे देगा चकमा? क्या लगता है आपको इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपके थॉट्स। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके भेजें।
क्या गोलमाल 5 के मेकर्स करवाएंगे गोपाल और माधव से डांस बैटल? कौन जीतेगा इस गोलमाल 5 की डांस बैटल में? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म गोलमाल 5 के बारे में। गोलमाल इज बैक अगेन गाइस। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उस मजेदार फ्रेंड्स ग्रुप की जो हमें एडल्टिंग की परेशानियों से दूर ले जाकर ये दिखाता है कि अगर दोस्तों का साथ हो तो लाइफ कितनी फन हो सकती है और कैसे हर मुश्किल का हल भी निकल सकता है। इसीलिए रोहित शेट्टी अपनी फेमस मूवी की 5th इंस्टॉलमेंट जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि मूवी में फन एलिमेंट्स डालने के लिए रोहित शेट्टी क्या कुछ नहीं करते, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका और शाहरुख खान का ट्रेन में अंताक्षरी खेलना हो या फिर ऑल द बेस्ट मूवी में स्टार्स का छुपन छुपाई खेलना। बिल्कुल आम जिंदगी में हंसी का तड़का मार कर रोहित मूवीज बना देते हैं। ऐसे में गोलमाल 5 उनकी कॉमेडी फ्रेंचाइज की एक और मूवी जब आ ही रही है तो जाहिर सी बात है रोहित इसे सूखा तो नहीं रखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे शेट्टी साहब अपने एक्टर्स को बनवाने वाले हैं बड़े पर्दे पर मजाक। दोस्तों इस बार हो सकती है गोलमाल 5 में डांस बैटल। जैसे कि हमें पता है कि गोपाल और लक्ष्मण और माधव, लकी और लक्ष्मण हमेशा ही दो टीम्स में बटे हुए हैं, इसीलिए ही इस बार मूवी की शुरुआत में आपको मस्त से डांस बैटल देखने को मिल सकते हैं। इस लाइव सीन में सभी बारी बारी से फेमस गानों पर एक दूसरे को चैलेंज करते देखेंगे। कुछ गेम थोड़े से पुराने दौर के होंगे, जैसे डोला रे डोला, कजरारे कांटा लगा लाल दुपट्टा टाइप्स। वही कुछ नए गाने जैसे दीवानी मस्तानी, ऊ आंटा वावा, हाई रेटेड गबरू या फिर और भी कई सारे गाने जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ कॉस्ट्यूम्स भी बदलेंगे, गोलमाल के स्टार्स इन गानों पर नाचेंगे जो सभी बारी बारी से अपने डांस का जलवा दिखाने के लिए सामने आएंगे, जिसके बाद ये सब सॉन्ग्स प्ले किए जाएंगे। इन गानों का मेन पर्पस ही होगा ऑडियंस को लाइट एंटरटेनमेंट देना, जिससे रोहित शेट्टी कम से कम 7 मिनट से 10 मिनट तक दिखाने वाले हैं। हाँ, मूवी में कोई हॉलीवुड सॉन्ग नहीं लिया जाएगा ताकि मूवी से बॉलीवुड का टच गायब ना हो, मगर साउथ की मूवीज की पॉपुलैरिटी बढ़ता देख रोहित कुछ फेमस सॉन्ग्स वहां के भी लेंगे। भाई वाह, ऐसे स्टार्स को नाचते देख तो खूब मजा आने वाला है ना दोस्तों। अरशद वारसी तो वैसे ही फेमस है खुद के डांस के लिए, जहां उन्हें नाचना बहुत पसंद है, वही अजय देवगन को ऐसे स्टेप्स करते देखने में बहुत मजा आएगा। आखिर अजय खुद को जब एक नॉन डांसर कहते हैं तो सच में ये सीन तो उनके कंफर्ट जोन से काफी बाहर होने वाला है। अब आप ही बताइए कि ऐसे स्टार्स को एक साथ डांस करता देखने का मौका हम कैसे ही मिस करेंगे। तो बस हम भी जल्द से जल्द इस सीन को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। आखिर हम भी तो देखें कि बेटर डांसर है कौन, अजय इन दीवानी मस्तानी या फिर दीपिका इन दीवानी मस्तानी। लेकिन अगर ये बैटल है तो इसे जीतेगा कौन, कौन आएगा इस बैटल में नंबर वन? हम आपको बता दें कि पांचों कैरेक्टर्स रोहित के लिए एक समान हैं, इसीलिए शायद वो तो किसी को ना जिता पाए इस डांस बैटल में। तो रोहित कैसे फैसला करेंगे? ऐसा हो सकता है कि इस डांस बैटल के जज वसूली और चिंतू बने। बिल्कुल दोस्तों, हम समझ रहे हैं आपकी खुशी। एक सीन में इतने सारे सितारे नाच रहे होंगे, वही फेमस कैरेक्टर्स वसूली और चिंतू भी अखियां लड़ाते लड़ाते जजमेंट पास करेंगे। अब जजमेंट कैसा होगा ये तो हमें नहीं पता, मगर हंसी खूब आएगी इस सीन में, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। आखिर इतने ब्रिलियंट तरीके से जब सीन को लिखा ही गया है तो रोहित इसे डायरेक्टर भी और ज्यादा मजेदार तरीके से करेंगे। बाकी आप लोग तो है ही इसे जज करने के लिए कि इस डांस बैटल का असली विजेता है कौन। हम जानते हैं कि आप स्टेप्स पर नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट की तरफ ही जाएंगे, इसीलिए ही हम होप करते हैं कि इस एंटरटेनमेंट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। गोपाल बना बाबा, क्या बढ़ेगी माधव और गोपाल की दुश्मनी, क्या डोन को सीख देगा गोपाल बाबा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अरे जल्दी चलो, नहीं तो बाबा जी के दर्शन नहीं मिलेंगे।
अचानक रोड पे गाड़ी रुकने के बाद जो रास्ते में बहुत लोगों की भीड़ देखने अपनी कार से नीचे उतरने का फैसला किया पपी भाई ने। चलते चलते अचानक उनके कदम एक झोपड़ी के सामने रुक जाते हैं और वहां वो लोगों की बढ़ती भीड़ देखते हैं और अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, जहां उन्हें किसी बाबा की आवाज सुनाई देती है जो लोगों को प्रवचन दे रहा है और उनके प्रवचन सुन के लोग बस उसमें खोए जा रहे हैं। बाबा का अवतार कुछ ऐसा था कि वो बाकी बाबाओं से अलग लग रहे थे, जहां वो हमें ऑरेंज कलर के कपड़ों और रुद्राक्ष की माला पहने दिखते हैं। बाबा के प्रवचन से खुश होकर लोग उनके चरणों के पास रखे दान पेटी में पैसे डाल रहे थे और ये बाबा कोई और नहीं बल्कि गोपाल यानी अजय देवगन थे, जहां उनके चेले भी लक्ष्मण यानी श्रेयास्थल पड़े। गोपाल बाबा के प्रवचन और उनकी दी हुई सीख को सुन के पपी भाई बड़े ही भावुक हो जाते हैं और बाबा के चरणों में गिरकर कहते हैं कि मैं धन्य हो गया बाबा आपसे मिलके, आपके दर्शन होने से मैं धन्य हो गया बाबा, मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। जिसके बाद लक्ष्मण बाबा की तरफ आते हैं और बताते हैं कि पपी भाई इस शहर के डॉन हैं और उनसे सब डरते हैं। इतना सुनके बाबा कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी एक समान हैं। जिसके बाद बाबा पपी को उठाते हुए कहते हैं कि बालक मैं तो सबको सेवा का मौका देता हूँ, तुम अपनी खुशी से जो देना चाहते हो दान पेटी में डालो, जिससे हम और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। इसके बाद पपी भाई उस दान पेटी में पैसे डाल देते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से कुछ लोगों की टोली आती है और कहती है ये बाबा तो ढोंगी है, और पीछे आवाज आती है हाँ ये एक ढोंगी बाबा है और ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि माधव यानी अरशदवासी होता है। जिसके बाद लोगों के चेहरे देख के गोपाल बाबा कहते हैं कि तुम मेरी परीक्षा ले लो और अगर इस परीक्षा में मैं सफल हुआ तो तुम्हें मेरा चेला बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ माधव कहते हैं हाँ ठीक है, और अगर मैं जीता तो तुम्हें इन सभी से माफी मांगनी होगी और इस बाबा को खुद को ढोंगी बाबा भी कहना होगा। ये सारी बातें पपी भाई के सामने होती हैं। अब सवाल ये है कि कौन जीतेगा इस जंग में और कहां जाएगा माधव और गोपाल की दुश्मनी का लेवल। क्या लगता है आपको इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।